तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन वन और उसके सिस्टर मिंगमिंग मिं, सेनगाई यूनिवर्सिटी पे ज्वाइन होने के लिए सेनगाई सिटी पे गया था और जब चेन वन अपने सिस्टर मिंगमिंग मिं के लिए पानी खरीदने के लिए जाता है तब उसी समय उस जगह पे सेनगाई सिटी के वन ऑफ द बिग फैमिली के यंग मास्टर किन बुफेंग आ गया था और क्यून बुफेंग का नजर सीधा मिंगमिंग की तरफ जाता है मिंगमिंग मिं के ब्यूटी को देखने के बाद वो पूरी तरीके से मिंगमिंग के ऊपर दीवाना हो जाता है फिर वो मिम्मी के पास आके कहता है हे ब्यूटी क्या हम एक दूसरे को पे ऐड कर सकते हैं ये बात को सुनने के बाद का अपनी फेस को तरह नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और ये बात को सुनने के बाद क्यून वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है शौक होता है क्या ये लड़की टॉप बनने का एड कर रही है या फिर सच में वो टाफ है और पे पिछले एपिसोड खत्म हो गया था तो चलो अब हम आगे की कहानी को जानते हैं तभी हम क्यून वूफेंग को देखते वो मनी मन में कह रहा होता है क्या आजकल की लड़कियां इतना नोवेल हो गई है इस सिटी में पैसा ही सब कुछ पैसा ही सुप्रीम बिना पैसों के कुछ नहीं है पर फिर भी ये लड़की मेरे सामने नोबेल बनने की претен कर रही है फिर उसके बाद ही क्यों गुफेन खुद को शांत करते हुए मुमिंग को फिर से कह रहा होता है अच्छा ठीक है ठीक है ये सब कुछ बातें हम बाद में कहेंगे पर आज रात एक फ्रेशमैन गेदरिंग पार्टी होने वाला है और इस पार्टी पे हर एक रिच लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अगर तुम चाहती हो तो इस पार्टी में एंटर करवाने के लिए मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ इस तरह से तुम हाई सोसाइटी के लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए सक्सेसफुल हो जाओगी तभी क्यून भूफे की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पर कुछ लड़कियों को दिखाती है वो अपना अपना ओपिनियन देने लगती है पे लड़की कह रही होती कि क्या फ्रेशम गिंग पार्टी वही लेजेंडरी सिटी के गैदरिंग पार्टी पे एक दूसरी लड़की फील करते हुए कह रही होती है डैम इट मुझे कोई इन्वाइट क्यों नहीं किया है और तभी तो अचानक सा मैं धीरे तरह मिमिंग को दिखाती है वो किून बुफेंग की ये बातों को सुनने के बाद गंभीर आवाज में कैरी होती है मुझे माफ करना तुम्हारे इस प्रपोजल पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और हाँ मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो नहीं तो जब मेरी ब्रदर यहाँ पे आके देखेगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तब तुम्हारा हालत बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है और मीमिंग की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुफेंग कन्फ्यूज होते गहरा होता है क्या मेरा हालत बुरा होने वाला है

तुम दफा हो जाओ यहाँ से और की ये को सुनने के बाद ओपिनियन तो देने लगता है।, पे एक कह रहा होता है क्या मैं गलत सुन रहा हूँ वो बंद मिश्रा क्यों दफा होने के लिए के रहा पे कह रहा है दूसरा बंदा कह रहा होता है अनबिलीवेबल कोई इतना ज्यादा बोल्ड कैसे हो सकता है पर तभी उस सभी के सामने क्यून बुफेन को दिखाता है वो हंसते हुए चेनौन को कह रहा होता है हम्म तुम्हारा तो हिम्मत कम नहीं है जो तुम मुझे दबा होने के लिए कह के के रहे हो और सामने के थप्पर को देखने के बाद ऑडियंस थे डरा हुआ रहता है बहुत ज्यादा शौक रहता है, रहता है।, रहता है कि क्या हे भगवान मैं क्या देख रहा हूँ उस आदमी ने मिस्टर किन को हिट किया तभी हम क्यून बुफेन को देखते वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है दांत पीसते हुए अपने बॉडीगार्ड को कमांड देते हुए कह रहा होता है जल्दी जाओ और उस बस को पीटो और किन बुफे की ये बातों को सुनने के बाद हम उसके दोनों बॉडीगार्ड को देखते हैं जो सीधा चेन उनके सामने आ गया होता है पर अचानक से हम चेन को देखते हैं वो दोनों बॉडीगार्ड गार्ड के ऊपर तीन चार पांच बार है और वही पांच के कारण वो दोनों बॉडीगार्ड गार्ड वही बे खलास हो जाता है और सामने की नजरा को देखने के, के बाद क्यून बुफेन तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है शौक होते क्या रहा था कि क्या मैं ये क्या देख रहा हूं मेरे सभी बॉडी गार्ड अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन है उस सभी गलत ऐसा कैसा हो सकता है ये जरूर इल्यूजन है मैं भी इस पास नहीं कर सकता पर तभी हम चेनाव को देखते वो क्यून क्यून बुफेंग बुफेंग के के सामने आके बुफेंग के को पकड़ लिया होता है फिर वो अपनी गंभीर राज में कह रहा होता है हे बच्चे मैं तुझे एक फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ मेरे सिस्टर से दूर रहना नहीं तो इसका परिणाम तो सहन नहीं कर सकता उसके बाद वो क्यून बुफेंग का दूर फेंकते हुए कह रहा होता है चल अब दबा हो जाए यहाँ से और भाई पे क्यून बुफेंग की भूपेंगे मनी मन में कह रहा होता है ये बंदा इतना था कैसे हो सकता है मैं जब उसके हाथों में था

ये तो है। के उसके साथ है के सिस्टर। और वो हम सभी के गॉडेस है तभी हम क्यून भूसें को देखते हैं वो अपनी ब्रदर क्यून बुफे को कैरी होती है अगर तुम इस तरह से करते रहते हो तो हमारी क्यून फैमिली के रेपुटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्या तुम ये भूल चुके हो और क्यून भूसे को यहाँ पे देने के बाद शौक हो जाता है शौक होते सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो क्यून भूसंग कह रही होती है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ तुम पहले दिन यूनिवर्सिटी पे हेलीकॉप्टर लेके आ रही हो क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे लोगों को नहीं पता कि की हमारी फैलि होती है और अब तो तुम मुसीबत क्रिएट करने लगे हो ये बातें को सुनने के बाद क्यून भूपे कह रहा होता है सिस्टर मैंने इस समय मुसीबत क्रिएट नहीं किया है बल्कि किसी ने मुझे बुले किया है ये बातों को सुनने के बाद क्यून भूसंग थोड़ी सीरियस हो जाती है फिर वो अपनी गंभीर अज में कह रही होती है किसने बुली किया है ये बातों को सुनने के बाद साइड में जितने सारे लोग थे वो सभी सामने चेनवन की तरह इशारा करने लगता है फिर उसके बाद ही क्यून भूसंग चेनौन के सामने आते हुए कह रही होती है क्या तुमने मेरी ब्रदर को हिट किया है बातों को सुनने के बाद चेनोन बिना हिचके रहा होता है हाँ, मैंने हिट किया और तभी अचानक समय दिखा है कि चेनोन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है न्यू गुड लुकिंग ओमे डिटेक्ट किया गया है काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है नेम क्यून किंग एज 23 थ्री वेट फिफ्टी वन के जी एपीर सिक्स पॉइंट अभी होस्ट के ऊपर क्यून की नाइन्टी परसेंट है हम चेनोन के सामने क्यों को देखते हैं वो सीरियस फेस बनाते हैं गंभीर आज में कैरी होती है अब जब तुम खुद ही एडमिट कर दिया है तो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ तुमने जो एक्शन लिया था उसका परिणाम क्या होने वाला है पर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ ताकि लोगों को ना लगे की मैं तुम्हें भूली कर रही हूँ ये बातों को सुनने के बाद चेनौन क्या होता है क्या चांस

मैंने सिर्फ उसकी ब्रदर को हिट किया है पर ये लड़की मेरे मेन पॉइंट पे हिट करके मेरे फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करना चाहती है क्या उसे सच में लगती है कि मुझे बोली करना इतना आसान है उसके बाद ये अचानक चेनन को देखते हैं वो क्यों भूसे के गाल पे जोर से थप्पड़ मारता है और सामने की नजारा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक जाता है शौक होते हैं मनी वन में कहता है की आज मैं क्या देख रहा हूँ वो आदमी असल में क्यों भूसें को हिट करने की हिम्मत किया है और भाई के सामने में क्यों भूसे को दिखाती है वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहती है वो अपनी गाल पे हाथ रखते हुए मनी वन में कहते हैं कि क्या इस आदमी ने मुझे हिट करने की हिम्मत किया है

हम तुझे नहीं मारेंगे सिर्फ तेरे दोनों पैर दोनों हाथ कमर को तोड़ देंगे और बोसे बॉडी गार्ड की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम चेनौन को देखते हैं वो मनी मन में अपने सिस्टम को कमर देते हुए सिस्टम मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ा दो और के रिसीव होते चेनौन की दिखाता है नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपके एजिलिटी और स्ट्रेंथ के एटीव्यूट को बढ़ा दिया गया है और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन आते ही अचानक से चेनौन के पूरे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है उसके बाद ही उसे एक अजीब सा वार्म महसूस होने लगता है वो मनी मन में कह रहा होता है ये फीलिंग्स मुझे तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है मुझे ऐसा महसूस में पावर ओवरफ्लो सामने देखता है।, के के है और सामने के नजर -मन होता है।, ये क्या है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कि दुनिया स्लो हो गया है। मैं हर किसी के मूवमेंट को बहुत ही आसानी के साथ जांच कर सकता हूँ फिर उसके बाद से चेन अपने सामने जितना सारा बॉडी रहता है वो सभी बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ के जाने लगता है कह रहा होता है नहीं गलत दुनिया स्लो नहीं हुआ है बल्कि मैं फास्ट हो चुका चुका हूं उसके बाद वो एक एक करके भाई जितने सारा बॉडी कर रहा होता है वो सही बॉडी गार्ड को किक मार के पांच मार के घायल कर देता है और सामने के नजारा को देने के बाद साइड पे जितने सारे, सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है एक बंदा शौक होते कह रहा था कि वत्ता हेल मैं ये क्या देख रहा हूं क्या हमने कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को प्रोवोक कर दिया है और बह साइड पर हमें किन भूसै को दिखाती है वो भी बहुत ज्यादा शौक में रहती है मुंह खुला का खुला रह गई होती है फिर वो मनी मन में कह रही है कि ये सभी बॉडी को मैंने बहुत सारा पैसा देकर हायर किया है वो सभी इतना ज़्यादा पावरफुल है किसी को भी टेकडाउन कर सकता है पर आज वो सभी मिलकर भी एक छोटे से कैरेक्टर को टेक नहीं कर पा रहा है पर तभी अचानक समय दूसरी तरफ चेनौन दिखा दिखाता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है गुस्से से किन की तरफ आ रहा होता है और ये देखने के बाद किन भूसैंग बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है वो पीछे खिस सकते हुए डरते हुए कह रही होती है तो तुम ये क्या करना चाहते हो तुम इस गवर्नमेंट लॉ सोसाइटी इस तरह से रेगुलर बिहेव नहीं कर सकते चेनौन क्या होता है मैं कुछ नहीं करूंगा पर अब क्या तुम और तुम्हारी ब्रदर माफी मांगोगी और हाँ यह ध्यान में रखना तुम्हारी बुसंग होती है। क्या माफी मांगी सपना देखना बंद करो। सभी देखा है कि हिम्मत किया है। जब यहाँ पे पुलिस आएगा तब तुम जेल में जाने वाले हो और बात रही तुम्हारी सिस्टर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी और फ्यूचर में कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हारी करने के लिए राजी नहीं होगी ये बातों को सुनने के बाद हम छीन को देखते हैं वो अचानक से कि उन बुसैन के गालों पे जोर से थप्पड़ मारता है और उसी कारण हमें दिखा जाता है कि अचानक से छीन उनके सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि उन बुसैन की होस्ट की ओर 20 ट्वेंटी तक बढ़ गई है और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद छीन सॉक होती है कन्फ्यूज होती है मनी मन में कह रहा होता है न, न, नानी ये क्या था किसी को थप्पड़ मारने से किसी का फेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है पर तभी हम देखते हैं कि सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि उन बुसैंग की होस्ट की फेबिलिटी 20 परसेंट तक बढ़ गई है और सिस्टम के ये दूसरा नोटिफिकेशन देखने के बाद चेन और मनी मन में कह रहा होता है क्या ये हो सकता है उसके बाद ही वो किन भूसें के पे और एक दूसरा थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारने से ही चेन के सिस्टम पे डिंग करता नोटिफिकेशन आता है कि उनकी ट्वेंटी परसेंट तक बढ़ गई है और ये देखने के बाद चेनवन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एक्साइटेड हो जाता है मनी मन में, में कहता ही वो अचानक से किन भूसें को पकड़ने के बाद उठा लिया होता है और ये देखने के बाद चिल्लाते है क्या होती है तुम क्रेजी तुम ये क्या कर रहे हो तुम एक औरत को हिट कर रहे हो सेमलेस करके मैं तुम्हें मार दूंगी पर तभी अचानक को देखते के पे जोर से थप्पड़ मारता है और वही कारण में को दिखाती है उसकी पूरी फेस रेड हो जाती है और वही दूसरी तरफ हमें दिखाता है दिखा कि चेनौन के सिस्टम पे डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आने लगता है कि उन सिक्स परसेंट तक बढ़ गई है एट परसेंट तक बढ़ गई है इस तरह के नोटिफिकेशन आने लगता है और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद चेनौन तो पूरी तरह से मोटिवेट

वैसे मैं अगर ये सोचूं क्या मैं उस आदमी से फिर से मिल पाऊंगी सें सिफ्ट हो जाता है कुछ मिनट के बाद का सेंड दिखाता है भाई पर मैं बाथरूम को देखते हैं और उसी जगह पे कोई दरवाजे को बंद करके बाथरूम को यूज कर रहा होता है और वही दरवाजे के बाहर में बहुत सारे लोगों को दिखा होता है जो दरवाजा को ठक ठकने लगता है अपने टॉयलेट को रोक के रखा होता है रोते कह रहा होता है इट वो कौन है जो बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया है भाई भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है ये सच में बहुत ही टॉर्चर है प्लीज प्लीज दरवाजा को ओपन करो मैं और रोक नहीं सकता कभी भी मेरा पैंट भी हो सकता है तभी हमें फाइनली दिखा होता है कि बाथरूम के अंदर कोई और नहीं चेन ऑन रहता है है वो जो भेज को बदल के रखा था उसके मेकअप को उतर रहा होता है वो मेकअप को उतर कह रहा होता है अगर इस तरह से सब कुछ चलता रहा तो सब कुछ सही रहेगा वैसे ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है किसी को भी नहीं पता है कि वो बुढ़ा इंसान मैं था पर तभी अचानक समय दिखाता कि चेनौन के फोन में किसी का कॉल आता है भाई कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है हो होतियान कैसे हो और की को सुनने के 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 बाद फोन दूसरी तरफ से होतियान कह रहा होता है ब्रदर चेन तुम लास्ट टाइम जो प्लेन ऑर्डर बारे में बात कर रहे थे क्या कोई अपडेट है ये बात को सुनने के बाद चेनौन होते कह रहा होता है क्या प्लेन कब मैं कब बात किया था तुम कुछ ही दिन पहले तो कह रहे थे कि तुम प्लेन खरीदने वाले हो है ना वैसे मेरा एक दोस्त है जो ये सब कुछ को लेकर बिजनेस करता है वैसे क्या तुम अभी यूनिवर्सिटी पे हो है ना होतियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेन उनको अचानक से याद आने लगता है कि एक पार्टी के दिन वो दारू पी के नशे में होतियन को कहा था कि वो प्लेन खरीदने वाला है और ये सब कुछ याद आने के बाद ही चिन्ह अपने सिर पे हाथ रखते हुए मुनिम में कह रहा होता है ओ तो वो सब कुछ उस दिन हुआ था दारू पीने के बाद मैंने क्या क्या कह दिया था फिर उसके बाद ही वो फोन में होतियन को कह रहा होता है हाँ मैं अभी सिन यूनिवर्सिटी पे हूँ ये बातों को सुनने के बाद होती हैं कह रहा होता है अच्छा ठीक है मेरे फ्रेंड तुम्हें पिकअप करने के लिए आएगा पर शिफ्ट हो जाता है मैं दिखा दिखाता कि बाथरूम के बाहर का सीन वही दरवाजे के सामने बहुत सारे लोग इट्टा हुआ रहता है वो सभी दरवाजा को हिलता हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एक बंदा एक्साइटेड होते कह रहा होता है अरे देख 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 दरवाजा हिल रहा है फाइनली कोई बाहर आ रहा है ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैमेड उसे बाहर आने दो मैं जरूर उसे मार दूंगा तभी अचानक से हमें दिखा है कि बाथरूम के दरवाजे को ओपन करते हुए चेनोन बाहर आता है और वो होते के साथ कॉल में बात करते हुए उस जगह से जाने लगता है और चेनोन के साइड पर हमें बहुत सभी लोगों को दिखा आता है वो सभी चेनोन की तरफ देखने लगता है चेनोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि ये इंसान उसके बाद ही अचानक से शौक होती कह रहा होता है अरे ये तो मिस्टर युवान है भाई भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे ये लेजेंडरी मिस्टर युवन हमारे स्कूल में क्या कर रहा है फिर उसके बाद ये बहुत सब बंदे चेनोन को घेर लिया होता है भाई बंदा कह रहा होता है मिस्टर युवन क्या मुझे आपके ऑटोग्राफ मिल सकते हैं मैं आपके बहुत ही बड़े फैन हूँ तभी से इन शिफ्ट हो जाता है मैं यूनिवर्सिटी के दो ही तरह क्यून बूफेंक और क्यून बूस दोनों ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी गार्ड के सामने आ गया होता है वही वो, वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है ओ, तो तुम कह रहे हो कि वो इंसान तुम्हें हेट करके भाग गया वो फैंग कह रहा होता है एकदम सही कहा चिंता मत कीजिए उस बैड पर्सन को हम इतना आसानी से जाने नहीं देंगे पर तभी अचानक हम टगले बंदे को देखते हैं वो क्यून भूफे के पीछे आके धीरे तुम्हें कह रहा होता है यंग मास्टर क्यों मैं उस इंसान को बाथरूम की तरफ भगका हुआ देखा है अगर हम वहीं पे जाते तो शायद हो सकता है कि हमें कुछ क्लू मिल जाए और ये बातों को सुनने के बाद हम क्यों भूफें को देखते हैं वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को लेकर उस जगह से जाने लगता है सेंसिफ्ट हो जाता है कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है वो सभी जब बाधरूम के पास आता है भाई बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वो सभी सिक्योरिटी गार्ड के कैप्टन कह रहा होता है भाई भाई क्या चल रहा है इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा क्यों हुआ है तभी हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो सामने के सिचुएशन को जानने के लिए उस भीड़ में जाने लगता है उसके बाद ही वो एक लड़की से पूछता है और उस भीड़ में क्या चल रहा है ये सब कुछ जानने के बाद वो कैप्टन के पास आता है फिर वो कह रहा होता है कैप्टन ये मिस्टर युवान है मिस्टर वो सिंगा यूनिवर्सिटी पे आया है ये बातों को सुनने के बाद हम दो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड कैरी होती होती है क्या सच में क्या वो मिस्टर युवान खुद यहाँ पे आया है मैं उसके बहुत बड़े फैन हूँ ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरे फीमेल सिक्योरिटी गार्ड कैरी होती है वो रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉपुलर है उसकी नेट उड़ती हंड्रेड बिलियन से भी ज्यादा है और वो कंट्री के लिए ग्लोरी लेके आया है उस समय किसान कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर एक क्यून बुसेंग और क्यों बुफेंग दोनों ब्रदर और सिस्टर को आता है वो दोनों ही शौक हो जाता है शौक होता है मनी वन में कह रहा होता है कि क्या मिस्टर यून वो यहाँ पे क्यों आया है सिंध शिफ्ट हो जाता है मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है पहले फीमेल सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं वो कैप्टन के सामने आकर रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है सर हमने सभी वाशरूम को ढूंढ लिया है और हमने सस्पेक्ट को ढूंढ नहीं पाए हैं ये बातों को सुनने के बाद हम कैप्टन को देखते हैं वो अपने एक को कह रहा होता है ये अच्छा नहीं हो रहा है जावली तुम तो जाओ और स्कूल के सीसीटीवी टीवी फोटेज को चेक करो ये बातों को सुनने के बाद उसको कह रहा होता है अच्छा ठीक है कैप्टन और वही साइड पर हमें क्यों भूसें को दिखाती है उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद एक छोटी सी स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती है या, वो बंदा डिसेपेर हो गया इंटरेस्टिंग तभी अचानक से उसकी नजर साइड पे भीड़ की तरफ जाती है और वो भीड़ के पास आके चेन को रही होती है हेलो क्या आप मिस्टर यून हैं और क्यों बूसेंग को यहाँ पे देने के बाद चेनौन मनीमन में कह रहा होता है ओ, ये तो वही लड़की है फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आता है मेरे ऊपर इस लड़की की फेवलिटी माइनस से प्लस सिक्सटी हो गई है और तभी साइड पर हमें सभी लोगों को दिखाता है जो कि देखने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगता है क्या बूसेंग भी मिस्टर युवन के फैन है दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे नहीं पता पर गाइज क्या तुमने सुना है कि एक क्रिमिनल ने उसे अटैक किया था पर तभी उस सभी के सामने में क्यों भूसैंग को दिखाती है वो चेन की तरफ देखती है मनी मन में कैरी होती है ये मिस्टर यून की फिगर को देख के मुझे इतना तो फेमिलियर क्यों लग रही है फिर उसके बाद ही अचानक से उसकी नजर चेन की जूते की तरफ जाती है और वो जूते को देने का वो शौक होती है मन में कैरी होती है ये जूते

मेरी नाम क्यून भूसेंगे देख के में कह रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को पता चल गई है कि वो बुढ़ा इंसान मैं ही हूँ क्योंकि मैं मेरे जूते को चेंज नहीं किया था पर फिर भी अगर किसी को पता चलती है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये लड़की आगे क्या ट्रिक यूज करने वाली है तो अभी हम सामने की उनको को देखते हैं वो चेनौन को कैरी होती है वैसे मिस्टर यून क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको सिनगेटी पे आने का रीजन क्या है चेनौन कह रहा होता है मेरा एक सिस्टर है जो इस यूनिवर्सिटी पे पढ़ना चाहती है तो इसलिए मैं उसे ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे आया था वैसे मैंने सुना है कि सिनगर सिटी में मिस की उनकी बहुत ही बड़ी कनेक्शन है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा बहुत मेरे सिस्टर का ख्याल रखना चेनौन की बातों को सुनने के बाद क्यून भूसैंग मनी मन में कैरी होती है कितना था सेमलेस वो कुछ ही समय पहले मुझे पीट रहा था और अब वो डिफरेंट आइडेंटिटी यूज करके वो कह रहा है कि मैं उसके सिस्टर का ख्याल रखूँ कोई इतना ज्यादा कैसे हो सकता है उसके बाद ही वो चेनोन को कैडी होती है क्या वो आपकी खुद के सिस्टर है ये बातों को सुनने के बाद चेनोन कह रहा होता है जरूर वो मेरे बायोलॉजिकल सिस्टर है और चेनोन की बातें को सुनने के बाद क्यों बोसेंगे मनी मन में कैडी होती है ओ, तो वो दोनों सच में शिवलिंग है वैसे मैं सुन रही थी कि मिस्टर इवन ड्रीम लिटिल मॉन्स्टर नाम के एक फीमेल स्ट्रीमर को 300 मिलियन ईवन गिफ्ट के तौर पे दिया था और बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर दिया था और ये इंसिडेंट के बाद बिग प्लेटफॉर्म के मार्केट वैल्यू अचानक से बहुत ही ज्यादा हाई हो गया फिर उसके बाद ही हम किन भूसे को देखते हुए चेन की तरफ देखते हुए छोटा सा स्माइल करते हैं मनी मन में कैरी होती है सच में मानना पड़ेगा मिस्टर इवन वो ली जिनमू के जैसे कानिंग इंसान को भी बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता है वैसे मैंने एकदम सही इंसान को चूज किया है चेन के पास स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी दोनों ही है

सेनगा यूनिवर्सिटी के दूसरी तरफ सिक्योरिटी रूम को दिखाता है वही हम कैप्टन और क्यों को देखते हैं वो दोनों मिलकर सीसीटीवी फोटेज को चेक कर रहा होता है और वही सीसीटीवी पे हमें फोटे दिखाता के के है और ये देखने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है इस वीडियो के मदद से हमें पता चला है की ये बुढ़ा बाथरूम के अंदर एंटर करने के बाद और कोई भी बाथरूम के अंदर एंटर नहीं किया था वैसे बहुत सारे बंदे ने बाथरूम के अंदर एंटर करने का कोशिश किया था पर उस बाथरूम के दरवाजा लॉक था पर प्रॉब्लम यही पे बनता है दस मिनट के बाद दरवाजा ओपन करके मिस्टर यून बाहर और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद होता है इतना बड़ा कोइंसिडेंट हो सकता है जरूर वो मिस्टर युवान उस की भेष को बदल के रखा था वही सस्पेक्ट है कैप्टन जल्दी करो और उस इंसान को अरेस्ट कर लो ये बातों को सुनने के बाद कैप्टन कह रहा होता है मिस्टर क्यून क्या आप कुछ दिनों को ज्यादा ईमानवार ईड कर लिया है असली दुनिया में इस तरह के हाई क्वालिटी फेशियल डिस्गस्ट टेक्निक एक्जिस्ट नहीं करता है और वैसे भी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की के वहां से फुल प्रूफ क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो हम एक्शन नहीं ले सकते तो उसके बाद ही कैप्टन मनी मन में कह रहा होता है हमारे एक साइड पे है मिस्टर युवान और दूसरी साइड पे है क्यून पेमिली अगर हम किसी को भी ओपन कर देते तो हमारा अंत अच्छा नहीं होने वाला है पर तभी अचान सामने क्यों भूफैंक को देखते है वो कैप्टन की बात को सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है हमारे सामने सॉलिड एविडेंस है पर कैप्टन अब हेजिटेट क्यों कर रहे एक्शन क्यों नहीं ले रहे या फिर आप कहना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेने के लिए मुझे हेड क्वार्टर पर कॉल करना पड़ेगा केवल भूफेंक की, की बात को सुनने के बाद कैप्टन थोड़ा घबरा जाता है फिर वो अपने साइड पे रहे सावर को कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम दोनों जाओ और मिस्टर युवन को अरेस्ट कर लो और ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों साबर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है मनी मन में कहता डेमेड बुट के

150 मिलियन योन है फिर उसके बाद ही भाई पे जितने सारे लोग थे उस सभी के सामने क्यून बुसेंग खड़ी रहती है उस क्यून बुसेंग की तरफ वो सभी देख रहा होता है वो सभी एक साथ मन मन में कह रहा होता है ये जरूर क्यून फैमिली का है वो सभी हेलीकॉप्टर का प्राइस 3 बिलियन योन है तो इसका मतलब ये है कि क्यून फैमिली का 3 बिलियन योन आसमान पे उड़ रहा है कितना ग्रैंड डिस्प्ले है तभी उस सभी के ऐसा कुछ बातें को सुनने के बाद हम क्यून बुसेंग को देखते हैं प्रॉपर साइड पे रहे क्यून बुसेंग अपनी ब्रदर को धीमी सद में कह रही होती है हमारी फैमिली पे तो इतना सारा हेलीकॉप्टर नहीं है तुम्हें इतना सारा हेलीकॉप्टर कहाँ से मिला है ये बातें को सुनने के बाद क्यों भूपेन कह रहा होता है मैं नहीं जानता मैंने नहीं बुलाया है। और अपनी ब्रदर की बातों को सुनने के बाद क्यों भूसंग मनी मन में कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो इतने सारे हेलीकॉप्टर को किसने बुलाया है तभी शिफ्ट होता है चेनोन को दिखाता है वो पैदल चल रहा होता है पर अचानक से उसके पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ आगे होता है और वो सभी चेनोन को रोकते हुए कह रहा होता है मिस्टर यूमाना मैं सस्पेक्ट है कि आप बिना कारण के किसी को चोट पहुंचा है तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्लीज हमारे साथ कोपरेट कीजिए ये बातों को सुनने के बाद हम चेनोन को देखते हुए पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है क्या मैं बिना कारण के किसी को चोट पहुंचाया है यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुआ है ना ये बातों को सुनने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है मिस्टर युवान गलती हुआ है या नहीं आप पुलिस स्टेशन पे जाके ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देना पर तभी हमें हाँ दिखा दिखाया था कि वो सभी सिक्योरिटी गार्ड की कुछ बातों को सुनने के बाद उस जगह पे बहुत सारी लड़किया इकट्ठा हो जाती है और वो सभी चेयर उनके साइड लेते हुए कह रही होती है मिस्टर युवान किसी को चोट पहुंचा है ये कैसे हो सकता है मिस्टर युवान तो अभी अभी हमारे यूनिवर्सिटी में आया है और यहाँ पे आने के बाद ही मिस्टर युवान हम सभी के साथ समय बिता रहा था हम सभी को ऑटोग्राफ दे रहा था भाई पे एक दूसरी लड़की कह होती है क्या तुम सभी ने सीसीटीवी फुटेज को चेक नहीं किया है या तक कि मेरी ग्रैंड माँ की नजर तुम सभी से बेहतर है भाई पे एक तीसरी लड़की गुस्सा करते हुए कह रही होती है एकदम सही कहा मिस्टर यवन इतने अच्छे इंसान है वो किसी को हार्ट कैसे कर सकता है तुम लोग बिना एविडेंस के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते फिर उसके बाद ही भाई पे जितने सारे लड़कियां थी वो सभी चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए चैनल के आसपास आ गई होती है फिर वो सभी एक साथ कैरी होती है लेडीज चाहे कुछ भी हो जाए हमें मिस्टर युवन को प्रोटेक्ट करना ही है और वही दूसरी तरफ हम और कुछ लड़की को देखते हैं, है के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया होता है बाइट करने लगती है नोचने लगती है पर तभी हमें दिखा आता है कि वो सभी लड़कियों के पीछे चेनौन आ गया होता है और वो सभी लड़कियों को रोकते हुए कह रहा होता है अरे तुम सभी शांत हो जाओ इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं ऑफिसर के साथ कोपाइट करता हूँ और अगर मैं सही हूँ तो जरूर मुझे जस्टिस मिल जाएगा ये बातों को सुनने के बाद तो भी जितने सारी लड़की आती चेनौन की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एक लड़की रोती हुई रही होती है वो सभी मिस्टर योन को फोर्सफुली अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था पर मिस्टर योन कितना झेन टेल है मैं रोना चाहती हूँ पर तभी अचानक से दिखा आता है की उस सभी के सामने यूनिवर्सिटी के ऊपर जितने सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है वो सभी लैंड करता है और वही हेलीकॉप्टर

तो हमें नीचे साइड पर उन और क्यों भूपेंगे दोनों ब्रदर और सिस्टर को दिखा होता है जो सामने के ऐसा कुछ नजारा को देखने के बाद मुंह का खुला का खुला रह गया होता है शौक होते मनी मन में कह रहा था कि वाव तो ये सब कुछ हेलीकॉप्टर मिस्टर युवा के कारण आया है और वही साइड पर हमें कैप्टन को दिखा होता है वो अपने सामने या फैमिली के हेड यांजू को देखने के बाद शौक होते मनी मन में कह रहा होता है ये तो या फैमिली के हेड यांजू है बोआसल में पर्सनली मिस्टर योन को पिकअप करने के लिए आया है फिर उसके बाद ही कैप्टन अपने सामने चेनौन की तरफ देखने लगता है उसके पूरे शरीर में डर के मारे पसीना आ रहा होता है मनी मन में कह रहा होता है सिंगा सिटी पे मिस्टर योन की इतना पावरफुल कनेक्शन है वैसे पूरे सेनगी के अंदर जो चार मेजर फैमिली है उनमें से यह फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है और बाकी के तीन फैमिली को हमेशा सरपास करके रखा है और जब यह फैमिली के हेड जो पर्सनली मिस्टर को पिकअप करने के लिए आया है तो मेरे छोटा सा कैप्टन मिस्टर के, के केस को मैं कैसे समझ सकता हूँ फिर उसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं के सामने आते हुए कह रहा होता है यंग मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे विश्वास है कि मिस्टर सस्पेक्ट नहीं है तो यहाँ पे मिस्टर युवान का कोई भी गलती नहीं है ये बातों को सुनने के बाद क्यों भूपे शौक होते हुए चिल्लाते है कह रहा होता है कैप्टन आपके ओपिनियन इतना जल्दी बदल कैसे सकता है और

आप सोचते हैं मन मन में कह रहे कि ये बंदा या फैमिली के यूज़ करके अपने खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है पर मैं ये गारंटी देता हूँ ये बंदा नेक्स्ट टाइम इतना तो लाकी नहीं होने वाला तभी सीन सिफ्ट हो जाता है मैं सामने या फैमिली के हेड यानजू को देखते हैं पूछिए के सामने आते हैं कह रहा होता है हेलो मिस्टर इमान मेरा नाम यानजू है और मैं होते हैं दोस्त हूँ ये बातों को सुनने के बाद हम चेनौन को देखते हैं वो यानजू के साथ हैंड से करते हुए कह रहा होता है हेलो मिस्टर या आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा फिर उसके बाद ही चेनौन आसमान पे रहे वो सभी हेलीकॉप्टर की तरफ करते हुए को कह रहा होता है पर ये सब कुछ वेलकम को ज्यादा ही नहीं हो गया ये बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है क्या ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने मिस्टर युवान के ग्रेट रेपुटेशन के बारे में बहुत सुना है तो इस तरह के छोटा मोटा वेलकम कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद अचानक से एक छोटा सा स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है ये रिसेंट ईयर इकोनॉमिक डाउनफॉल के कारण मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है पर अगर मैं आज मिस्टर के साथ डील को कम्प्लीट कर लेता हूं तो मेरा जितना सारा लॉस हुआ है वो सब कुछ कवर हो जाएगा उसके साथ साथ प्रॉफिट भी हो जाएगा तभी हम दूसरी तरफ चेन ऑन को देखते हैं वो अपने पीछे मीमिंग को कह रहा होता है मीमिंग चलो तुम्हारी ब्रादर तुम्हें प्लेन खरीदने के लिए लेके जाएगा ये बातों को सुनने के बाद मीमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है ब्रदर वा चेनौन ऐसे कह रहा है जैसे की मिमिन को वो खिलौना खरीदने के लिए लेके जा रहा है तभी साइड पर हमें कुछ लड़की को दिखाती है जो चेनौन की बातों को सुनने के बाद के ऊपर बहुत ज्यादा जिलास फील करने लगती है भाई पे लड़की कह रही होती है मैं बहुत ज्यादा जिलास हूँ मेरे पास भी इस तरह की ब्रदर रहता भाई पर एक दूसरी लड़की गुस्सा करते हुए कह रही होती है मिस्टर युवान मेरी बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है ये बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेडिंग है पर तभी अचानक समय दिखाता है की चेनौन के पीछे कोई आते हुए कह रहा होता है ब्रदर चैन प्लेन खरीदने के लिए तुम मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो चेनवान जब पीछे मुड़ के देखता है भाई हमें दिखा है की चेनौन के पीछे कोई और झुल रहती है

चेन कह रहा होता है जरूर मैं तुम्हें तो झूठ कब कहा है उसके बाद ही अचानक से चेन एक एवी ली मन में कह रहा होता है प्लेन गिफ्ट के तौर पे देना ये एकदम सही आइडिया है मैं एक रोई को दूंगा बिंगजू को दूंगा और पेशेंट जाओ को दूंगा और हाँ लिली को भी एक प्लेन गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा सभी के लिए फ्यार रहना चाहिए पर तभी तो अचानक से चेन के पीछे क्यून भूसें को देखते वो चेन के पास आते कैरी होती मिस्टर यून क्या कोई है मैं भी एक प्राइवेट प्लेन खरीदने के बारे में सोच रही हूँ तो अगर मैं आपके साथ प्लेन खरीदने के लिए जाती हूँ तो इस पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सिल्ड हो जाता है कुछ मिनट के बाद कस दिखाता है चेनन को हेलीकॉप्टर पर बैठा के आसमान पे उड़ान भर दिया होता है और वही हेलीकॉप्टर के अंदर हम चेनन को देखते हुए अपने साइड पे रहे जी को कह रहा होता है मिस्टर या ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा स्टेबल है सच में ये हेलीकॉप्टर 150 मिलियन युआन का उड़ती है Channel की बातों को सुनने के बाद हम साइड पर है यांजी को देखते हैं वो हंसते हुए कह रहा होता है मिस्टर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया है सीन शिफ्ट है दूसरी तरह को देखते हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर से बाहर देखते हुए एक्साइटेड होती है कैरी होती है अरे जुली देखो देखो वो टीवी टावर है ना वो कितना छोटी लग रही है और वही उन दोनों के पीछे में हमें भूसिया को दिखाती है जो सामने की ऐसा कुछ नजरा को देखने के बाद उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद मनी मन में कैरी होती है एक कंट्री बम की जैसे उम्मीद थी ऐसे एक्ट कर रही है कि बाहर की दुनिया को कभी नहीं देखी है तभी क्यून भूसिया के साइड पर हमें जूली को दिखाती है उसकी नजर क्यून फेस के फेस की तरफ जाती है फिर वो मनी मन में कह रही होती है इस औरत की नजरें बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली है उसे देख के नहीं लग रही वो कोई अच्छे इंसान है ये लड़की क्यून फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर है है ना वैसे ये लड़की बहुत ज्यादा फ्रीटी है उसके साथ साथ अच्छे फैमिली बैकग्राउंड भी है पर प्रॉब्लम यह है कि उसकी उपाय मेरे से बड़ी है फिर उसके बाद ही अचानक से जूली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है फिर वो मनी मन में कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए ये बड़े से उपाय मोन को मैं चेनोन के करीब नहीं जाने दूंगी सेफ्ट हो जाता है मैं कुछ मिनट के बाद कसन दिखाता है चेनोन और बाकी सभी को देखते हैं जो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया होता है तभी हम यहाँ फैमिली के हेड यान को देखते हैं वो चेनोन और बाकी सभी को लेके अपने सभी प्लेन टू दिखाने लगता है और बताने लगता है कि इसका क्या क्या फायदा है

को खरीदने वाला हूँ वो सब कुछ गिफ्ट के तौर पर होने वाला है तभी चेनोन की सब कुछ बात को सुनने के बाद हम को देखते हैं इसके साथ चेनोन सारे हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है वो सब कुछ का प्राइस कैलकुलेट करने लगता है और उसे प्राइस पता चलने के बाद उसके सर से पसीना आ रहा होता है मुन में कह रहा था कि क्या क्या ये बंदा गॉड ऑफ वर्ल्ड का सोन है और सबसे बड़ी बात इतने सारे एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर को वो किसी को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है तभी तो पे ली जिनमु के ऑफिस को देखते हैं और वही ऑफिस के अंदर में ली जिनबू के सेक्रेटरी को दिखाती है वो ली जिनमू को कह रही होती है मास्टर मैंने अभी अभी, अभी एक न्यूज रिसीव किया है यहाँ सिटी पे एंटर कर गया है यहाँ तक कि वो सिनगाई इन यूनिवर्सिटी पे आके फैमिली के दोनों सिबलिंग को बहुत ही ज्यादा पीटा है और ये बातों को सुनने के बाद ली जिनमू तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है शौक होती करते क्या उसने किन फैमिली के दोनों सिबलिंग को पीटा है क्यून फैमिली तो सेनगा सिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली है पर यान ने ये सब कुछ करने का हिम्मत कैसे किया है ली जिनमो के होती है हाँ ये न्यूज रिलीज होने के बाद पूरे सेनका सिटी पे तैल कर मच गया है तभी ली जिनमो हंसते हुए कह रहा होता है वो सेनका सिटी पे आने के बाद ही क्यून फैमिली को ऑफेंड कर दिया है कितना तो एरोगेंट है पर तभी लीज सेक्रेटरी कैडी होती है हाँ ये सच है पर अचानक से उस समय या फैमिली के हेड यानजू आ गया था और वो यान को बचा लिया था ये बातों को सुनने के बाद लीजुमो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है भाई बस सेक्रेटरी फिर से कैडी होती है सिर्फ इतना ही नहीं यान यान को पिकअप करने के लिए बीस हेलीकॉप्टर लेके आया था अपने सेक्रेटरी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद लीजिन मु सोचने के लिए मजबूर हो जाता है फिर वो मनी मन में कह रहा होता है ये या फैमिली यान के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गया फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने डॉयर से एक इन्विटेशन लेटर को निकालता है और उस लेटर की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है या फैमिली के गोल्डन गॉर्ल यहाँ उसकी बर्थडे पार्टी बहुत जल्द होने वाली है और सेंगाई सिटी के जितने सारे पावरफुल यंग मास्टर हैं वो सभी उस बर्थडे पार्टी पे पार्टिसिपेट करने वाला है वैसे यान पहले कभी भी पब्लिक पे नहीं हुई अब आने वाले बर्थडे पार्टी के बाद वो या ग्रुप को टेक ओवर कर लेगी और वो एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी तो इसलिए अगर कोई शादी करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब यह है की वो या ग्रुप का ओनर बन जाएगा पर अब इस क्रिटिकल मोमेंट पे जो एक है वो सेंगाई सिटी पे आ गया है डेमेट क्या उसका प्लान है वो फैमिली का इन लो बनना चाहता है फिर उसके बाद अचानक से वो अपने जगह से उठ जाता है फिर वो

भगवान मिस्टर यून आपने ऑलरेडी थ्री बिलियन यून खर्चा कर दिया है क्या ये काफी नहीं है उसके बाद वो खुद को संभालते हुए हंसते हुए को कह रहा होता है हाँ जरूर हम और भी बहुत सारी चीजें सेल करते हैं जैसे कि सिर्फ हो गया वैसे अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक लाक्सरी सिर्फ दिखा सकता हूँ ये बातें को सुनने के बाद चेनौन कह रहा होता है अच्छा ठीक है पर हो या नॉर्मल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं मछलियां पकड़ने के लिए सिप को यूज करने वाला तभी चेनौन की बात को सुनने के बाद हम यांजू को देखते हैं वो अपने टैब पे लाइफ का फोटो निकालते हुए मनी मन में कह रहा होता है ये किस तरह का पर्सन है जो मछलियां पकड़ने के लिए लाक्ष को यूज कर रहे हैं फिर उसके बाद यान जो अपने लाक्सर सिप को छेड़ को दिखाते तो हुए कह रहा होता है मिस्टर यान ये रहा वो लाक्सर सिप वैसे ये पूरी दुनिया में फिफ्थ मोस्ट लाक्सर सिप है

बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है बहुत जगह इतना एक्सपेंसिव है की बहुत सारे लोग पैसा देखिए खरीद नहीं सकता है ये बात को सुनने के बाद हम चेनौ को देते हैं मूर्ति का कह रहा होता है क्या सच में मिस क्यों ना आप एक बिल्डिंग को मुझे सेल कर दीजिए उस बिल्डिंग का मार्केट प्राइस जितना है उसका पांच परसेंट मैं आपको ज्यादा दूंगा चेन की ये बात को सुनने के बाद क्यों बुसिया कैरी होती है अगर आप एक फ्लोर या फिर दो फ्लोर खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ पूरे बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं तो मुझे फैमिली के साथ डिस्कस करने की जरूरत है फिर उसके बाद ही क्यों भूसियांगनी मन में कैरी होती है मैं ये पहली बार सुन रही हूँ की कोई पूरे बिल्डिंग को खरीदना चाहता हूँ है वो अभी अभी इतना सारा पैसा खर्चा करके प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदा है पर अब वो बिल्डिंग को भी खरीदना चाहता है सच में मिस्टर इवन बहुत इंप्रेसिव है फिर उसके बाद कि उन फिर ही फिर से चीन उनको कैरी होती है ओ हाँ और एक बात सिंह सिटी पे एक डिस्ट्रक्शन है अगर आप उस बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं तो आपको हाई टैक्स पे करने की जरूरत है चेनौन कह रहा होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप सिर्फ ये बताइए कि आप बिल्डिंग को मुझे सेल करने के लिए राजी है या नहीं चेनौन की ये बातों को सुनने के बाद कैरी होती है अच्छा ठीक है प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए मैं आपको अभी लेके जा रही हूँ क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं है उसके बाद हम क्यों भूसिया को देखते हुए उस जगह से जाने लगती है जाते हुए मनी वन में कहरी होती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ हासिल करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी टेस्ट करना चाहती हूँ और वही पीछे चेनौन मनी वन में कह रहा होता है मैं तो सिर्फ

और सामने के नजारा को देखने के बाद साइड पर मिमिंग मिं कह रही होती है जूली तुमने अचानक से तुम्हारे फोन को क्यों फेंक दिया पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वही फोन के अंदर वही वीडियो में वो लड़की कह रही होती है अगर मिस्टर युवान दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप पे रहता है तो इससे मैं माइंड नहीं करती मैं सिर्फ ये चाहती हूँ की वो मेरे साथ रहे तभी उस वीडियो पे उस लड़की की ये बात को सुनने के बाद हम मिंगमिंग को देखते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है शौक होते है मन में कह रही थी कि ये क्या चल रहा है मैं ये क्या सुन रही हूँ तभी अचानक साहब देखते कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए चेनोन अंदर आता है और चेनोन को अंदर आता हुआ देखने के बाद मिंगमिंग को देखते हैं वो उस न्यूज को चेनोन को दिखाते हुए कह रही होती है ब्रो, इस लड़की ने अभी जो कुछ भी कहा ये सब कुछ झूठ है है ना ये बातों को सुनने के बाद चेनोन उस न्यूज को रीड करने लगता है रीड करने के बाद कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मिममी तुम्हें बताओ तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो फिर उसके बाद अचानक से चेनोन गुस्सा करते हुए मनी में कह रहा होता है ये किस तरह का अजीब सा बदनामी है मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ और तभी अचानक से हमें दिखा दिखाता है कि चेनोन के पीछे कोई आ जाता है फिर वो चेनोन को कह रहा होता है चेनौन जब पीछे उनके देखते हैं उसके पीछे कोई और नहीं कि उनती है वही है सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है माइनस फाइव परसेंट तक हो गई है।, है।, है, है तभी हम को देखते वो सिस्टम के नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए मिंगमिंग और को कह रहा होता है जरूर ये न्यूज फेक है क्या तुम सभी को लगता है कि मैं उस तरह के इंसान हूँ यहाँ तक मैं ये भी नहीं जानता की वो लड़की है कौन ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हम झूली को देखते हैं के हाथ को पकड़ने के बाद चेनौन के आंखों की तरह देखते कह रही होती है ब्रदर तुम्हें कोई लड़की के साथ बात करने की घूमने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी तुम्हारे साथ पैसों से प्यार करती है पर मैं अलग हूं तुम्हारे खर्चे के लिए मैं तुम्हें पैसा दूंगी और झुल की ये बातें तो चेन के सिर पे चुप जाता है वो हर बड़ी में कह रहा होता है तुम्हारी पैसा कौन चाहता है और मैं रैंडम उमेर के साथ नहीं घूमता हूँ बात नहीं करता मुझे इस तरह से बदम मत करो चेनौन की ये बातें को सुनने के बाद झूली कह रही होती है हाँ मैं समझ सकती हूँ मैन हमेशा न्यू एक्सपीरियंस पसंद करता है ब्रदर ईवन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मेड बन सकती हूँ हमेशा तुम्हारे साइड पे रहूंगी और अगर तुम बेबी चाहते हो तो मैं तुम्हारे बेबी का भी जन्म दे सकती हूँ और झुल की सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं चेनौन को दिखाता है वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है वो आगे क्या करे कुछ भी समय नहीं आ रहा होता है वो मनी मन में कह रहा होता है

सच में चेनोन एक पूरी तरीके से बीस्ट है फिर उसके बाद ही हमें हाँ दिखा था कि चेनोन के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है कि उन बुसियांग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी माइनस टेन परसेंट हो गई है कि उन बुसियांग की होस्ट के ऊपर कारण फेबिलिटी फिफ्टी परसेंट है सीन हो जाता है मैं कुछ मिनट के बाद सेनगा यूनिवर्सिटी के साइड पे क्यून फैमिली के एक बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग पे क्यून बुसिया चेनौन को लेके आ गई होती है तभी चेनौन पूरी बिल्डिंग को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है वेल well, ये बिल्डिंग एवरेज है ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है मेरे सियोल पे जो भिला है वो इससे बेहतर है पर ये बिल्डिंग एकदम प्राइम लोकेशन पे है तो इसका प्राइस उड़ती है पर तभी अचानक से चेनौन को कुछ रियलाइज होता है फिर वो मनी मन में कह रहा था कि मेरा स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई हो गया है कि इस तरह के लोकेशन का बिल्डिंग भी मुझे इंप्रेस नहीं कर पा रहा है पर तभी हम चेनौन के पीछे को देखते हैं वो चेनौन के पास आते है और कैरी होती है

ओह तो अब तुम तुम्हारे मुंह को शुरू करने वाले हो तुम मुझे मिल ऑफर करके मेरे करी बना चाहते हो क्या सभी मैन सेम टैक्टिक यूज करता है डिफरेंस पर कोई चीज है कि नहीं वैसे चेन के जैसे कम पाक परसेंट मेरी पूरी जिंदगी में किसी और को नहीं देखी है फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि चेन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि उन वो सैंक की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी माइनस फिफ्टी परसेंट तक हो गई है कि उन वो सैंक के होस्ट के ऊपर कारण फेबिलिटी थर्टी फाइव परसेंट है और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद चेनौन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है गुस्सा हो जाता है मैंने मन में कहता था कि क्या फेबिलिटी फिर से डिक्रीज हो गई है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो फेवलिटी डिक्रीज हो जाए क्या ये हो सकता है कि इस औरत के सिर्फ बूटी पे पीटने के बाद इसकी फेबिलिटी इंक्रीज होती है और अगर बूटी पे नहीं पीटेंगे तो फेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है पर तभी हम चेन के सामने क्यून बुसिया को देखते हैं वो चेन के सामने आते हुए कैरी होती है मिस्टर अगर मुझे यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रही हूँ और इस बिल्डिंग को लेकर आगे का जो प्रोसेस है वो मेरी सेक्रेटरी हैंडल करेगी फिर उसके बाद ही हम क्यून बूसिया को देखते हैं वो सब कुछ कहने के बाद चेनौन और बाकी सभी को बाय करते हुए उस जगह से चली जाती है और क्यून भूसिया के वहां से जाने के बाद ही चेन के साइड पर हमें झोली को दिखाती है वो चेन को टीज करते हुए कैरी होती है

फिर उसके बाद ये अचानक संग जूली को देखते हुए चेनन को हक कर लिया होता है फिर वो कैरी होती है और मैं ये भी नहीं चाहती कि उन बूढ़ संग मेरे पास से तुम्हें छीन ले और अगर मेरी इस बी के कारण तुम मुझे नफरत करने लगते हो तब फिर भी कोई बैड ओमन को मेरे पास से तुम्हें ले जाने के लिए नहीं दूंगी जूली की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम चेनन को देखते हैं वो जूली को हक कर लिया होता है फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है ठीक है और वैसे भी मैं तुम्हें नफरत क्यों करूँगा तुम मेरे क्यूट टेस्ट लिटिल जीनियस जुली हो और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद जूली तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है रोते हुए कै रही होती है ब्रदर चेनोन हमेशा मुझे लगे क्या करते हैं मेरी डैड कभी भी मुझे लगे क्यार नहीं किया है और बचपन पे ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मेरी मॉम गुजर जाने के बाद मेरी ब्रदर हमेशा मेरी ख्याल रखती थी पर अब तो मेरी ब्रदर भी मुझे लगे क्यार नहीं करता है वो कह रहा था कि मैं लेन फैमिली के लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हूँ जूली की यह सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेनौ मनी मन में कह रहा होता है ये छोटी सी लड़की हमेशा खुश रहती है और हमेशा ज्यादा बात करना पसंद करती है और वो अंदर से टूटी हुई है उसके बाद ही अचानक से हम चेन को देखते हुए जूली के कंधे को पकड़ लिया होता है और जुलू की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है जुली तुम चिंता मत करो मैंने तुम्हारी फैमिली के सिचुएशन के बारे में सुना है तो इसलिए मैं तुम्हें तो अभी ट्वेंटी बिलियन यू ट्रांसफर कर रहा हूँ इससे तुम्हारी लीट फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और चेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है वो अचानक से बहुत ज्यादा शाक हो जाती है उसके बाद ही उसके आंखों में आंसू आ रहा आती है रोते हुए कह रही होती है

को दिखाती है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है और वही पे हम जूली को देखते हैं वो अपनी किस को खत्म करने के बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए चेनोन को कैरी होती है चेनोन ये मेरी पहली किस थी और ये मैंने तुम्हें दे दिया ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनोन को दिखाता है वो ब्लास्टिंग करते हुए मनी में मौन कह रहा होता है वेल well, ये फीलिंग्स बुरा नहीं है और वही उन दोनों के साइड पर हमें मिंगमिंग को दिखाती है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है वो झुल को बस चिल्लाते कह रही होती है झुली तुम बहुत ज्यादा बुरी हो तुम मेरी ब्रदर को किस कैसे कर सकती हो मिंगमिंग मिंग की बातों को सुनने के बाद हम झुल को देखते हैं वो मिंगमिंग मिंग को जला फिल करवाने के लिए चेन को हाग कर लिया होता है और चेन के गालों पर प्यार से किस करते हुए मिंगमिंग को कह रही होती है मैं ये क्यों नहीं करूंगी मैं ब्रदर चेन को पसंद करती हूँ और ब्रदर चेनौन मुझे पसंद करता है तो एक दूसरे को किस करना तो नॉर्मल सी बात है और वैसे भी मिंगमिंग तुम हम दोनों को इंटरेक्ट करना बंद करो क्योंकि आगे हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होने वाला है वो बच्चों को देखने के लिए सुटेबल नहीं है और जूली की यह सब कुछ बातों को सुनने के बाद इमेजिन करने लगती है कि एक बंद कमरे में जूली और चेनऑन वो दोनों मिलके हमें जिंदगी का मजा आ रहा है गुलाबी गुलाबी मजा चारा है और ये सब कुछ इमेजिन करते हैं मिमिन तो बहुत ही ज्यादा एम्बरेस हो जाती है एम्ब्रेस के का कारण पूरी फेस रेड हो जाती है मनी मन में कह रही होती है ये सब कुछ तो बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है फिर उसके बाद अचानक को देखते के दूसरे साइड पर चेरन के हाथ को पकड़ लिया होता है फिर वो चिल्लाते हुए जुली को रही होती है बिल्कुल भी नहीं मेरी ब्रदर मेरी है अगर तुम तो उसे पाने के लिए मेरे साथ फाइट करते हो तो मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी मिंगमिंग की बात को सुनने के बाद जुलिर होती कह रही होती है तुम्हारे साथ कौन फाइट करना चाहता है क्या हम एक साथ नहीं रह सकते मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी क्या हम ब्रदर चेरन को तो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते ये बातों को सुनने के बाद हमें मीमिंग को दिखाती है वो थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है इम्प्रेस कहती है कि क्या क्या हम ये भी शेयर कर सकते हैं उसके बाद ही थोड़ी उदास हो जाती है फिर वो मनी मन में रही होती है क्या मैं सच में बहुत ही सेल्फिश हूँ पर तभी अचानक से मिमिंग के पीछे जुल को देखते वो मीण मीण को पीछे से हक कर लिया होता है फिर वो कह रही होती है जरूर हम एक दूसरे को शेयर करेंगे और अगर मैं प्रधा चिन्ह के साथ रहती हूँ तो हम दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप है वो टूटेगी नहीं बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग होती रहेगी और जुली की ये बातों को सुनने के बाद मिमिंग खुश हो जाती है खुश होती कह रही होती है क्या सच में क्या सच में ये पॉजिबल

उसे कैसे यूज करूंगी वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है मेरे नजर में तो ये सब कुछ पैसा कुछ भी नहीं है जूली तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और चेनोन की ये बातें को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है वो थोड़ी शक हो जाती है ब्लास्ंग करते हुए चेनोन की तरफ देखने लगती है तभी अचानक से हमें कि चेनोन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है जूली की वन परसेंट तक बढ़ गई है जूली की ऊपर कारण फेबिलिटी नाइनटी नाइन परसेंट है पर तभी अचानक से हम जुली को देखते हैं वो चेनोन के करीब आके चेनोन के गलत पर प्यार से गिस्ट करती है तभी सामने की नजर को देखने के बाद दूसरी तरह को है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है वो जूली चिल्लाते हुए कैडी होती है जूली तुम कानिंग कानी तुमने फिर से पड़ता को किस किया उसके बाद मिंग, मिंग भी के पास आके चेन के दूसरे कलों पर किस कर देती है वाह क्या नजारा है वाह वाह एक ही घर के अंदर एक ही रूम के अंदर दोनों सिस्टर है पर दोनों सिस्टर ही ब्लड रिलेटेड नहीं है तो आप लोग समझ सकते हो कि घर के अंदर क्या क्या होने वाला है स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर ब्रदर मैं वाशिंग मशीन पे अटक गई प्लीज मुझे बाहर निकलने के लिए मदद कर दो का सीन दिखाता है भाई और बाकी सभी को देखते हैं जो नीचे जाने के लिए लिफ्ट के सामने आ गया होता है पर उस सभी के सामने जब लिफ्ट के तौर से ओपन होता है तो लिफ्ट के अंदर दो लड़कियां रहती है भाईपा एक लड़की को देखते है वो दूसरी लड़की को कान में आके धीमी में कह रही होती है सिस्टर महंगा ये हमारी नेबर है ना भाई

मनीमन मन में कह रहा होता है क्या उस समय को डर नहीं है कि मैं उस समय की बातों को सुन लूंगा वैसे वो लाल कपड़े वाली लड़की बहुत ज्यादा फेमिल लग रही है पर तभी अचानक से चेनोन के साइड पर हमें मीमिन दिखाती है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एक्साइटेड होती तो है कैरी होती है ब्रो ये तो एक्ट्रेस जिंग मेयंग है और वही दूसरे साइड पर जुल कैरी होती है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि एक फेमस एक्ट्रेस हमारी नई नहीं है जिंग मे यंग साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री पे एंटर किया था और बहुत जल्द उसकी हर एक मूवी ब्लॉक हो गई थी यहाँ तक की उसने ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है और सबसे बड़ी बात तो यह की वो अपनी कंपनी स्टेबलिश करने के बाद वो अपनी कॉलेज क्लासमेट के साथ रिलेशनशिप के बारे में पब्लिकली अनाउंस कर दिया था और उसकी बॉयफ्रेंड का बैकग्राउंड एकदम

मे यंग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी माइनस सिक्स परसेंट है सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है अगर आप इस काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट कर देते हैं तो आप मे यंग के ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करेंगे उसका टेन परसेंट आपके मेन अकाउंट में मिल जाएगा और आपको रिवॉर्ड के तौर पर फिफ्टी स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेगा उसके साथ ही साथ आपको बोनस स्किल के तौर पर वायलिन प्रोपेंसी एक्टिंग प्रोपेंसी सिंगिंग प्रोपेंसी ये सब कुछ स्किल आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा और तभी हम चेन को देखते अपने सामने मैयांग की तरफ देखते हैं मनी मन में कह रहा होता है ये किस तरह का एटीट्यूड है मैं तुम्हारी फैन नहीं हूं तो मुझे इस तरह के घमंड दिखाने का फायदा क्या है फिर उसके बाद ही चेनोन जब बिल्डिंग से बाहर आता है वो अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक टोपी पहन लिया होता है पर अचानक तो से उसका सामने आता है और वही सामने हमें दिखा आता है मेयांग और उसकी सेनेटरी खड़ी रहती है पर अचानक से तो उन दोनों के सामने एक कार है खड़ा होता है और वही कार के अंदर एक बंदा रहता है वो बंदा मेयांग को कह रहा होता है मेयांग देखो मैंने न्यू कार खरीदा है उस बंदे की बातों को सुनने के बाद हम मेयांग को देखते हैं उस कार के अंदर आते है कह रही होती है तुम अचानक से न्यू कार क्यों खरीद रहे हो ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है आज हम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने वाले हैं ना तो मेरे के लिए एक न्यू कार एक है। उस बंदे की बातों को सुनने के बाद मीठी मीठी बातें चलो मुझे भूख लगी है खाने के लिए चलते हैं और भाई उस सभी के में को दिखा है। जो सामने की है सब कुछ नजारा को देखने के बाद उन दोनों के लवी डबी को देखने के बाद वो मनी मन में कह रहा होता है मैया के पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसे देख के बहुत ज्यादा खुश लग रही है पर क्वेश्चन ये है कि सिस्टम ने काउंटर मिशन को ट्रेगर क्यों किया है क्या सिस्टम चाहता है तोड़ दू है मैं कुछ घंटों के बाद कसे दिखाता है भाई के उस जगह पे एक रोल खड़ा रहता है और वही कार के अंदर चेनऑन और एक औरत रहती है तभी चेनऑन और उस औरत को कह रहा होता है आंटी आप जिस कार को आप चलाएंगे ये बातों को सुनने के बाद वो औरत डरते हुए कह रही होती है वेल well, क्या ये सब कुछ की जरूरत है ये कार देख के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है तभी मैं बताया जाता है की इस औरत की क्या आइडेंटिटी है वो एक क्यार्टे कार है तभी उस औरत की बातों को सुनने के बाद चेनौन कह रहा होता है कम मौन एक कार तो एक टूल के जैसा ही है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए मदद करता है और रोज रोज स्पेशल कुछ भी नहीं है तो चिंता मत करना ठीक है चेनौन की ये बातों को सुनने के बाद क्या मनी मन में कह रही होती है चिंता नहीं करूंगी ये कहना बहुत ज्यादा आसान है वैसे ये यंग मैन हाउस सेंटर पे आया था एक ऐसे केयर टेकर को ढूंढने के लिए जो कार चला सके और किसने उम्मीद किया था उसका जो कार होगा वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर मैं थोड़ी सी भी गलती कर देती हूँ तो इस कार की रिपेयरिंग के लिए मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती पर तभी अचानक से हम चेनौन को देते हुए चुप्पी को तोड़ते हुए कह रहा होता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कार पे कुछ भी होता है तो आपको रिपेयरिंग का पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है फिर उसके बाद ही पीछे और की तरफ इशारा करते हुए को को कह रहा होता है आपको सिर्फ इन दोनों अच्छी तरीके से ख्याल रखना है तो सब कुछ सही है अगर आप अपने जॉब को अच्छी तरीके से करते हैं तो सालों के अंत पे मैं आपको बहुत ही अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगा पर तभी हम पीछे मिंगमिंग को देखते हैं वो चेनौन की बातों को सुनने के बाद थोड़ी कंफ्यूज होती है कह होती है ब्रो क्या तुम आज निकल रहे हो ये बातों को सुनने के बाद चेनौन कह रहा होता है आज नहीं पर कुछ दिनों के अंदर निकल जाऊंगा तो तुम दोनों को ख्याल रखने के लिए मैंने क्या टिकट ढूंढा है तो

तभी सिफ्ट हो जाते हुए जाओ की बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग के अंदर चेन के जितने सारे लवार है वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है तभी अचानक से हम गांव जुआान को देखते हुए चुप्पी को तोड़ते हुए कैरी होती है क्या ये हो सकता है कि की ने सच में इस तरह के टेरेवल काम किया है और इसी कारण लोग इतना था गुस्सा हो गया है गाँव जुआन इन की बातों को सुनने के बाद जायू की दोस्त मई कैरी होती है इम्पोसिबल वैसे मैं मानती हूँ की चेनौन हॉनेस्ट पर्सन नहीं है और वो इस तरह के गंदा काम कभी नहीं कर सकता है और मई की ये बातों को सुनने के बाद हाँ पे हाँ करते हुए क्यों बिंगजू कैरी होती है हाँ एकदम सही कहा मैं भी यही मानती हूँ तभी हम मई को देखते हुए कंप्यूटर पर कुछ दिखाते हुए कैरी होती है जिस लड़की ने चेनौन को बदनाम किया है उस लड़की के मैंने आइडेंटिटी को चेक किया है वो लड़की सेनगाई पे रहती है और चेनौन सियोल पे रहता है और उन दोनों के एक दूसरे के बीच में कभी भी मुलाकात नहीं हुआ है मई की ये बातों को सुनने के बाद जाहिर जारि होती है हाँ एकदम सही कहा और सबसे बड़ी बात हम सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि चेनौन अपने काम को सही करने के लिए कितना कड़ी मेहनत कर रहा है और किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ गंदा काम करने के लिए चेन के पास इतना भी टाइम नहीं है तो अगर मैं ऐसा गेस करू इस ऑनलाइन पे पे वीडियो पे जो लड़की है तो उसके पीछे कोई है जो चेन के रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है की ये बातें को सुनने के बाद कह रही होती है सभी सिस्टर अगर इस बदनामी को लेकर चेनौन नहीं करना चाहता है तो इसका मतलब ये कि वो पब्लिक ओपिनियन को लेकर परवाह नहीं करता है पर हम क्या ये होने दे सकते कि कोई बिना कारण चेन को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है मैं ढूंढ के रहूंगी की ऑनलाइन पे इस तरह का रूमर किसने फैलाया है फिर उसके बाद ही मैं उस सभी को दिखाऊंगी की चेन को बदनाम करने का परिणाम क्या होता है जा की बात

चेनौन कह रहा होता है हाँ जरूर क्यों नहीं वैसे ये सब कुछ कहाँ पे होने वाला है ये बातों को सुनने के बाद यांजू कह रहा होता है आपने जो सिप का ऑर्डर दिया है वही सिप के अंदर मैं आपको पिकअप करने के लिए किसी को भेज रहा हूँ तो आप चिंता मत करना शिफ्ट कुछ घंटों के बाद दिखाता है भाई यांजू को देखते वो चेन को पिकअप करने के लिए आ गया होता है तभी हेलीकॉप्टर के अंदर चेनौन कह रहा होता है वैसे मिस्टर या वो सिप का ओनर पहले कौन था ये बातों को सुनने के बाद यांजू कह रहा होता है ये सिगरेट तो नहीं है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है ये सिप दोंग फैमिली का था ये बातों को सुनने के बाद चेन कह रहा था कि क्या दोंग फैमिली कौन सा दोंग फैमिली चेनौन

चलिए मैं आपको इस जहाज की टूर करवाती हूँ चेनवन कह रहा होता है अच्छा ठीक है वैसे मैं यही सोच रहा था आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उसके बाद मैं उस लड़की को दिखाती है वो चेनन को लेकर जहाज के कोने कोने में दिखाने लगती है कि जहाज कैसा है किस तरह का फीचर्स मिलता है सीन शिफ्ट होता है कुछ मिनट के बाद कसन दिखाता है भाई बैठा दे की चेनौन ने जहाज के हर एक जगह को देख लिया होता है तभी सामने वो लड़की चेन को कह रही होती है इतने लंबे टूर के बाद शायद आप दोनों थक चुके होंगे मिस्टर दो आप दोनों के लिए रेस्ट रूम पे इंतजार कर रहे हैं प्लीज आप दोनों एंजॉय कीजिए तभी हमें दिखा होता है कि अचानक से उस रूम के अंदर एक बंदा एंट्री करता है और उस बंदे का आइडेंटिटी रहता है दोंग फैमिली का हेड दोंग त्यानबो वो चेनोन और यानजू को देखने के बाद कह रहा होता है ओ मिस्टर यान और मिस्टर यान दोनों ही आ चुका है मुझे माफ करना यहाँ पे लेट आने के लिए उसके बाद वो चेन के पास आके चेनौन के साथ हैंड से करते हुए कह रहा होता है मेरा नामबो है और आपसे मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और वही पे चेनोन कह रहा होता है मेरा नाम चेनौन है और आपसे मिलकर मिल भी बहुत चेन्ण चेन्ण तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लांच करने के लिए बैठ गया होता है तभी तो मिस्टर कह रहा होता है मिस्टर, तो मिस्टर दोंग हम एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ सीधा पॉइंट पर बात करता हूँ आपके हांग जहाज का लिस्टिंग प्राइस अभी सेवन बिलियन चल रहा है और मिस्टर या ने आपके जहाज को पूरी तरह से टूट कर लिया है और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है तो इसलिए वो भी पेमेंट के ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करना चाहता है ये बात को के बाद मिस्टर दाम कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है पर मैं फुल पेमेंट की उम्मीद करता हूं मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता हूं तो मुझे प्लीज समझने का कोशिश करना और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जहाज के अंदर जितने सारे लोग काम करते हैं उस सभी को काम से ना निकला जाए ये बात को सुनने के बाद चेनौन कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको अभी फुल पेमेंट कर देता हूँ पर बात करें जहाज के अंदर जितने सारे लोग काम कर रहे हैं उसको लेकर मुझे एक प्लान है चेनौन की बात को सुनने के बाद मिस्टर दोंग तो बहुत ही खुश हो जाता है फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बढ़िया तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद हम कॉन्ट्रेक्ट पर साइन करेंगे सीन करें सिंह सिफ्टे कुछ मिनट के बाद का वही हम चेन और बाकी सभी को देखते हैं वो सभी खाना खा लिया होता है और वही मिस्टर दोंग को देखते हैं उस जहाज के अंदर जितने सारे लोग काम करता है उस सभी को एक जगह पे

हेलो एवरीवन मेरा नाम चेनौन है मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले मेरे पॉकेट से 500 मिलियन निकालूंगा और वही पैसे से तुम सभी को सैलरी दूंगा तभी चेनौ की बातों को सुनने के बाद मिस्टर दोंग मिस्टर या उसके साथ ही साथ उस जहाज पे काम करने वाले जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है फिर कुछ ही सेकंड के अंदर ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एक बंदा इमोशनल होता है कहता है की डेमेड फाइनली फाइनली मुझे सैलरी रिसीव होने वाला है भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है इस तरह के बॉस मिलना तो किस बात की बात है तभी उस सभी के सामने में चेनोन को दिखा आता है वो एक फेस बनाते हैं मनी मन में कह रहा होता है अपने अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने

क्या हो सकता है कि वो हमारे मैनेजमेंट को कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड देने वाला है आज हम रिच होने वाले हैं और तभी अचनास्थान चेन को देखते हुए अनाउंस करते हो कह रहा होता है तुम ग्यारह लोग मैं अनाउंस कर रहा हूँ तुम ग्यारह लोगों को मैं फायर आउट कर रहा हूँ ये बातों को सुनने के बाद ही हर एक डिपार्टमेंट के जितने सारे हेड थे मैनेजर थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है तभी चेनोन की बात को सुनने के बाद जितने सारे सिंपल वर्ड थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है शौक होते मनी मन में क्या रहा था कि क्या इतने सिंपल तरीके से फायर कर रहा है ये न्यू बॉस तो बहुत ज्यादा रूतलस है पर तभी अचानक से हम एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखते हैं वो चेनोन के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है रहा होता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं पांच सालों से इस जहाज के अंदर काम कर रहा हूँ तुम मुझे फायर क्यों कर रहे हो ये को सुनने के बाद चेनौ कह रहा होता है क्यूं मेरा है क्या तुम्हें तो नहीं आ रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो चेन अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है चिल्लाते हुए मार दूंगा उस मैनेजर की क्या मुझे मारेगा चल देखता हूँ कौन किसे मारता है फिर उसके बाद दिख रहा था उस जगह पे सिक्योरिटी गार्ड आ गया होता है और उस मैनेजर को पकड़ लिया होता है वो मैनेजर को कह रहा होता है सामने क्या कर रहा है ये बातों को सुनने बाद वो मैनेजर कह रहा होता है

चेनौन के दूसरी तरफ या को दिखा होता है वो चेनोन के ये देने के बाद शौक होते में कह रहा होता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि की रिसेंटर मेरे कंपनी पे मैं इतना सारा पैसा लॉस कैसे किया देख के ऐसा लग रहा है कि बिजनेस कैसे चलाना होता है वो मिस्टर यान से सीखना होगा तभी सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा है पर हम चेनोन को देखते वो कुछ डिपार्टमेंट के हेड को एक जगह पे इकट्ठा किया होता है फिर वो उस सभी को कह रहा होता है मैनेजमेंट टीम के ग्यारह लोगों में से तुमसे पांच लोग जो नॉर्मल वर्कर ने तुम सभी को लेकर कोई भी रिपोर्ट नहीं किया है वैसे मैं तुम सभी को शुरुआत में जब कहा था कि तुम सभी के ग्यारह मैनेजमेंट टीम को मैं सस्पेंड करने वाला

और वैसे क्या लिन फैमिली के क्राइसिस रिसोल्व होने के पीछे मिस्टर युवान हाथ है तभी शिफ्ट तो फेतियान कंपनी के बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग के अंदर हमें दिखाता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है अपने अपना बातें कर रहा होता है तभी वहीं पे एक लड़की कैरी होती है किसने सोचा था कि फेतिया रियल स्टेट कंपनी और तुंदे रियल स्टेट कंपनी दोनों एक साथ मार्च होने के बाद लीन फैमिली का प्रॉफिट हो जाएगा तभी एक बंदा कह रहा होता है ये सक्सेस के पीछे मिस या की हाथ है ये सब कुछ मिस या की प्लान के कारण हुआ है तभी एक दूसरी लड़की कैरी होती है एकदम सही कहा मिस या की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है और अनफॉर्चुनेटली उसके चेहरे की दग उसकी ब्यूटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुकी है पर तभी अचानक समय एक बंदे को देखते

यूवी को रूम के अंदर आता हुआ देखने के का पे जितने सारे लोग थे वो सभी सीट से उठ जाता है ग्रिट करने के लिए पर अचानक से उस सभी नजर जब यूवी के फेस की तरफ जाता है वो सभी बहुत ही ज्यादा हो जाता है और उस सभी को शौक देने के बाद यूवी होती है क्या हुआ है तो सभी का एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है यूवी की बातों को सुनने के बाद वो लड़की शौक होती है कैरी होती है आपकी फेस पर तभी अचानक से हम यूवी को देखते हैं वो गुस्सा होता है कैरी होती है मेरी फेस के साथ क्या गलत है मैं ऑलरेडी तुम सभी को कह चुकी हूँ की मेरी फेस को लेकर ज्यादा फोकस मत करना इससे बेहतर होगा कि तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो ये बातों को सुनने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं वो ईवी को एक मिरर देते हुए रही होती है नहीं आपकी फेस पे जो दाग थी तभी तो ईवी मिरर पे अपने फेस को चेक करने लगती है और चेक करने के बाद ही बहुत ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसकी फोर्ट पे जो चोट की निशान थी वो गायब हो जाती है और ये देखने के बाद मनी मन में कैरी होती है तो ये सच है बॉस ने दाग को गायब करने के लिए जो क्रीम बनाया था वो सच में काम कर रहा है फिर उसके बाद ही अचानक से हम इवी को देखते हैं वो ब्लास्टिंग करते हुए मन मन में कैरी होती है

और ये सब कुछ देखने के बाद चेहरे जबरदस्त हंसते हुए कह रहा होता है ओ अब मुझे याद आया मैंने उस सभी को गिफ्ट सेंड किया था है ना तो यही कारण मेरे ऊपर उस सभी की फेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तभी शिफ्ट आता है हमें दिख रहा था कि इवनिंग हो गया है वहीं वही पे हम चू यू के घर को देखते हैं और वहीं पे हमें चू यू को दिखाती है वो अपने सामने एक बंदे को कह रही होती है सीनियर तो जाओ मुझे घर छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बातों को सुनने का वो बंदा कह रहा होता है हम दोनों के फादर एक दूसरे के फ्रेंड है तो इस तरह के फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है ये बातों को सुनने के बाद होती है अच्छा ठीक है पर फिर भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ उसके बाद यूमू मनी मन में कैरी होती है सीनियर ब्रदर साहब के फैमिली बैकग्राउंड और उसके पर्सनलिटी के हिसाब से मेरी बॉयफ्रेंड बनने के लिए वो क्वालिफाइड है पर रिसेंटली पता नहीं क्यों हमेशा मेरे दिमाग में उस बास्ट की इमेज अफियर हो रही है चेनोवान तुमने मेरे ऊपर किस तरह के स्पेल कास्ट कर दिया है और वो जिस लड़की को पसंद करता है वो मैं नहीं हूँ बल्कि गांव जुआने आने तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि यमू के पीछे एक डिलीवरी बॉय आ गया होता है फिर वो यमू को कह रहा होता है एक्सक्यूज मी क्या आप मिस चू यू है युम कह रही होती है हाँ मैं ही हूँ क्या हुआ है ये बातों को सुनने के बाद तो वो डिलीवरी बॉय पीछे एक हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है आपकी पैकेज आ चुकी है और अपने सामने हेलीकॉप्टर को देने के बाद यू सौ को दे कैरी होती है क्या यहाँ पे जरूर कुछ मिस्टेक हुआ है मैंने कोई भी हेलीकॉप्टर ऑर्डर नहीं किया है ये बातों को सुनने का तो डिलीवरी बॉय कह रहा होता है मिस नहीं यहाँ पे कोई भी गलतियां नहीं हुआ है ये मिस्टर यूवन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है मैंने आपको गिफ्ट डिलीवर कर दिया है तो प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए तो मेरा जो टास्क है वो कम्प्लीट हो जाएगा ये बातों को सुनने के बाद यूमू साइन करते मन मन में कैरी होती है ये मुझे चीन ने गिफ्ट के तौर पर दिया है पर तभी अचानक से हमें दिखा दिखाता है कि यूमू के पीछे वो सीनियर वादा जाओ कह रहा होता है यूमू क्या आमकी चीज हेलीकॉप्टर को तुम्हारे लिए खरीदा है कितना जेनरियस गिफ्ट है यूमो कैरी होती है

ये मूव ब्लास्टिंग करते कैरी होती है विल मुझे डर है कि चेन मुझे गलत समझने लगेगा उसके बाद ही ये मूं मनी में कैरी होती है चेनोन मुझे पसंद करता है दिखा की चेनौन की सिस्टम पेटिफिकेशन आता है, है।, है।, है। जहाज को देखते हैं और बही जहाज के अंदर हमें दिखाते बहुत सारे लोग कट्टा हुआ रहता है और यहाँ फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर की बर्थडे पार्टी शुरू होने वाला है और बही वो सभी लोगों के साइड पे हमें चेरन को दिखाता है वो कैजुअल कपड़े पहन के बैठा रहता है और सामने के नजर का मजा ले रहा है तभी हमें दूसरी तरफ उस पार्टी पे अटेंड किया हुआ हमें सभी लोगों को दिखाता है जो उस पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है पर

तो बैंकउ शुरू होने वाला है यह बातें को सुनने के बाद क्यों भूपेंद कह रहा होता है सिस्टर क्या तुम उस इंसान को जानती हो शिफ्ट तभी से दूसरी तरफ चेन का दोस्त से एलियन को देखते वो चेहरा के सामने आते तो हुए कह रहा होता है मिस्टर oh, तो सच में आप ही है मैं दूर से सोच रहा था कि इतना यूनिक स्टाइल कौन हो सकता है मैंने एकदम सही गेस किया था ये मिस्टर युवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है <laughs> जब पैसा हो तो सब कुछ स्टाइल ही लगता है और तभी हम चेनौन को देखते हैं अपने दोस्त को यहाँ पे देने के बाद कह रहा होता है हो बे तो तुम भी यहाँ पे आयो ये बात को सुनने के बाद बेई कह रहा होता है हाँ आप कह सकते हैं जब से हमारे फैमिली सिनगर सिटी में शिफ्ट हुआ है तब से हमारे बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है और इसी कारण मैं कुछ पावरफुल लोगों से मिलना चाहता हूँ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ वे की ये बाते को सुनने के बाद चेनौ दिला सके कह रहा होता है अरे चिंता मत करो सब कुछ सही हो जाएगा वैसे मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या तुम इंटरेस्टेड हो ये बातों को सुनने के बाद वे कह रहा होता है किस तरह के बिजनेस मैं जरूर इंटरेस्टेड हूँ चेन कह रहा होता है रियल इस्टेट क्या तुम इंटरेस्टेड हो ये बातों को सुनने के बाद वे ना करते कह रहा होता है वेल रियल अभी सही से चल नहीं रहा है तो अभी के लिए मैं इसे पास करता हूँ मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तभी अचानक से उन दोनों के साइड में कुछ लड़के एक साथ चिल्लाते हुए कह रही होती है अरे ये तो मिस्टर ली है मिस्टर ली पे आ चुका है और बोस भी लड़कियों की सब कुछ को सुनने के बाद हम बेई को देखते हैं वो चेनौन को कह रहा होता है

यंग ली आज के इवेंट पे हाईलाइट होने वाला है तभी तो हम उसी बर्थडे बैंडकुट पे कुछ ही दूरी पर मिंगमिंग और जुल को देखते कुछ देख रही होती है तभी अचानक से पीछे से मिम मिंग मिं जुली को कैरी होती है जुली क्या तुम मेरी ब्रदर को ढूंढ पाई हो ये बातों को सुनने के बाद जूली कैरी होती है मैं ढूंढ तो रही हूं बहुत सारे लोग हैं मैं कैसे ढूंढू पर उसके बाद भी वो अचानक से चेन को ढूंढ लेती है फिर वो चेन की तरफ इस तरह करते हुए मिंगमिंग को कैरी होती है मिंगमिंग उधर देखो चेरौन भाई पे है और अपने सामने चेनन को देखने के बाद चेन की ड्रेस को देखने के बाद मिंगमिंग कैरी होती है ब्रदर इस तरह का अजीब सा ड्रेस क्यों पहन के रखा है और वो राे सारा ग्लास क्यों पहन के रखा है मिंगमिंग की बात को सुनने के बाद हम जुली तो बाद को देखते हैं मिमिमी के हाथ मिं को पकड़ने के बाद चेरोन

तुम्हें लास्ट टाइम किसी ने बचा लिया था पर इस समय तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है पर तभी अचानक से जूली को देखते हैं वो कि उन के हाथों को मिंग से दूर करवाते हुए कैरी होती है तुम्हारे इस फिलती हाथों से मिमिंग को टच करने का हिम्मत भी मत करना उसके बाद ही जुली मिंगमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद मिमी को उस जगह से ले जाती हुई कैरी होती है मिमिंग चलो यहां से चलते हैं तो अभी उन दोनों को रोकने के लिए भूफेंग आगे बढ़ रहा होता है पर अचानक से में दिखा है कि के सामने चेनौना आ गया होता है

ये बंदा सोच रहा है कि वो मम्मी को शादी करके चेनन का ब्रदर इन बनने वाला है पर इस बंदे को जाता है। और सामने के नजर को देखने के बाद वो सभी अपना अपना लगता है कह रहा होता है वैसे मैं सोच रहा था कि ये यूनिक ड्रेस पहनने वाला इंसान कौन है तो ये मिस्टर युवा है भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं तो सोच रहा था कि ये कोई परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है पर यह तो मिस्टर युवान निकला तभी भाई पे एक लड़की कह रही होती है ऑनलाइन उसको लेके इतना

कर दिया ऐसा कुछ कह रही थी वो रोते रोते चेनवन के पास आते हुए कह रही होती है ब्रदर चेनवन ये मैं हूँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ हम दोनों की बेबी ऑलरेडी थ्री मंथ की हो चुकी है मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहती हूँ आप सर मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज <laughs> और मैं ये भी परवाह नहीं करती कि आप दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप है मैं सिर्फ ये चाहती हूँ के साथ रहे बिना डैड के बेबी ग्रो नहीं हो सकता है और मैं आपके बिना जी नहीं सकती तभी हमें दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को दिखा दिखाता है जो सामने के शो को वीडियो कर रहा होता है भाई एक बंदा कह रहा होता है अरे ये तो जिंग जावजा है ना वही लड़की जो मिस्टर युवा को एक्सपोज किया वीडियो में भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है वो कितना इनोसेंट है पर उसकी मुलाकात कम भक्त से हुआ है पर तभी अचानक से दूसरी तरफ जुड़ी को देखते वो चेन के पास आके उस लड़की को चेनवा से दूर कबाती हुए कैरिया होती है hey लड़की तुम झूठ कहना बंद करो ब्रदर चेनेमा तुम्हें जानता भी नहीं है पर हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाती है वो खतरनाक एक्टिंग करते हुए जमीन पे बैठ जाती है रोते हुए अपने पेट पे हाथ रखते हुए कह रही होती है ये दर्द हो रही है दर्द दर्द हो हो रही रही है है ब्रदर मेरे पेट पे बहुत ज्यादा तो फिर उसके बाद अचानक से उस लड़की के जगह से खून निकलने लगती है और ये देखने के बाद सारे लोग थे शौक रहा होता है ओ नो उसकी तो ब्लीडिंग हो रही है तभी सामने के नजारा को देखने के बाद जुड़ी डरते हुए कह रही होती है मेरी ये मतलब नहीं थी मैंने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया है तभी उस सभी के पीछे ये असली शो को क्रिएट करने वाला ली जिनम को दिखा आता है वो एक भी हंसते है मनी में कह रहा होता है ये सच में बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है पर, पर उसके पेट पे जो बच्चा है किसी के साथ भी सो सकती है पर चाहे कुछ भी हो इस समय चेनौट बहुत ही ज्यादा मुसीबत पे है अगर वो ट्राई करता भी है तब भी वो अपने नाम को क्लियर नहीं कर पाएगा फिर उसके बाद ली जिनमू साइड पर एक बंदे को कह रहा होता है यंग मास्टर या मिस यहां बहुत जल्द शुरू होने वाली है तो इस तरह के सीन को क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है वैसे मैं मानता हूँ कि मिस्टर यौन का स्टेटस स्पेशल है पर फिर भी उसका इस तरह का बिहेवियर या फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है वो बातों को सुनने के बाद साइड उस बंदे को दिखाता है फिर मैं बताया था कि इस बंदे का क्या आइडेंटि है वो का सोन यालिंग है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है यंग मास्टर ली ने एकदम सही कहा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे हो जल्दी से इंसान को पकड़ने के बाद इस जहाज से दूर फेंक दो एक कंट्री यंग लेडी के बर्थडे डे बैंक को बर्बाद कैसे कर सकता है जो के सोन यालिंग की बातों को सुनने के बाद हम इस जहाज के नए कैप्टन को देखते हैं वो यालिंग के सामने आते हुए कह रहा होता है, हेलो यंग मास्टर या वो कौन है जो ये परेशान क्रिएट करने का हिम्मत कर रहा है कैप्टन की बातों को सुनने के बाद यालिंग कह रहा होता है ओ तो तुम कैप्टन हो उसके बाद ही वो अपने पीछे चेन की तरफ इशारा करते हैं कह रहा होता है वो बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या था उसका ने एक औरत को बोली भी किया है और यालिंग चेन की तरफ इशारा कर रहा है ये देखने के बाद हमें कैप्टन और बाकी सभी को दिखाता है वो सभी शौक हो जाता है पत्थर बन जाता है मनी मन में कह रहा था कि क्या ये तो बॉस है हम बॉस को इस जहाज से बाहर फेंक दे क्या ये बच्चा सपना दिख रहा है क्या ये सभी नहीं चाहते कि बार डी बैंक कंटिन्यू हो? फिर उसके बाद ही कैप्टन अपनी काप्ती आज में यालिंग को कह रहा होता है यंग मास्टर या क्या आप सीरियस है ये बातों को सुनने के बाद यालिंग कह रहा होता है मैं यार फैमिली के मेंबर होने के नाते क्या मेरा शब्द काफी नहीं है ये हमारे या फैमिली का बर्थडे वैनक्यूट है अगर मैं किसी को यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ तो उसे यहाँ से जाना होगा और हाँ मैं उसके स्टेटस को लेकर परवाह नहीं करता क्योंकि सेंगर सिटी हमारे फैमिली का टेटेड है या लिख ये सब कुछ बात को सुनने के बाद हम कैप्टन को देखते हैं उस जगह से जाने लगता है फिर वो सीधा चेयर के पास आगे खड़ा हो जाता है तभी सामने के नजारा को देने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है अब एक बंदा कह रहा होता है अरे देखो देखो कैप्टन आ चुका है उसके साथ ही साथ वो सिक्योरिटी गार्ड को भी लेके आया है ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी मिस्टर युवान को यहाँ से जाने के लिए आने वाला है ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है <laughs> एक एही करता है। तभी हम दूसरी तरफ यार लिंक को देखते हैं वो सामने के नजारे को देखने के बाद स्माइल करते हैं मन में कह रहा होता है उसका रेपुटेशन हाई है तो क्या हुआ पर आज मैं उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और पूरे चाइना में फेमस होने वाला हूँ

तो आप बताइए कि हम उसे कैसे हैंडल करने वाले हैं याचन कह रहा होता है क्या तुम्हें तो सब कुछ मैटर को मुझे पूछने की जरूरत है अगर वो सही मुझे फेंकना चाहता है तो जरूर तुम भी उसे फेंक दो और हाँ यंग मास्टर या के साइड पे जो यंग मास्टर ली है उससे मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूं उसके फेस को देखिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो उसे भी फेंक देना और चीनौन की बातें को सुनने के बाद कैप्टन कह रहा होता है अच्छा ठीक है बॉस मैं समझ गया उसके बाद ही वो अपने को कमांड देते कह रहा होता है सिक्योरिटी टीम तैयार हो जाओ तभी सामने के को देने के बाद हम यालिंग को देखते हैं वो तो बहुत यादव हो जाता है तुम तु, 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 सब क्या कर रहे हो क्या तुम सबको पता नहीं है ये जहाज हमारी या फैमिली का है और वही साइड पर हम ली जिनमो को देखते वो चिल्लाते को कह रहा होता है यान मैं सजेस्ट कर रहा हूं फिर से सोच के देख तुझे शायद अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि मैं सेनगा सिटी का कौन हूँ और अचानक से हम कैप्टन को देखते है। वो हैं वो ले जिनमो के गल पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है हाँ हमें पता है बाप को माँ सीखा फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि वो सभी सिक्योरिटी गार्ड एक साथ मिलकर लीजिन को पकड़ने के बाद रगड़ते रगड़ते उस जगह से ले जाने लगता है तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूरी तरह बहुत सारे लोगों को दिखाता था वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है एक बंदा शौक को देख रहा था कि, हे भगवान मैं ये क्या दिख रहा हूँ वो सभी ली फेमिली के मेंबर को हिट करने का हिम्मत किया है वही एक लड़की कह रही होती है सिटी के फेमस मिस्टर ली को आज कोई कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है पर तभी उस सभी के साइड पर हमें चेनन को दिखाता है वो सामने के नजरों को देखने के बाद स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है वो कैप्टन बू चेंगोंग थोड़ा रेकलेस है पर वो बहुत ज्यादा लॉयल है देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके सैलरी के लेवल को थोड़ा बढ़ाना होगा पर तभी अचानक सा दिखा होता है कि चेन के पीछे या फैमिली के सभी मेंबर आ गया होता है तभी या फैमिली का एक मेंबर कह रहा होता है चेन को मिस्टर योन क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपका ये एक्शन थोड़ा हेरास था आज रात हमारी या फैमिली ने गेस्ट को इन्वाइट किया है बर्थडे बैन्यूर के लिए ना कि आपके अथॉरिटी को दिखाने के लिए तभी उस बुड्डे के साइड पर रहे जो चेन को कह रहा होता है आपने लीजिन को बाहर फेंक दिया मैं मानता हूँ की आपके पास रीजन है पर आपने मेरे सोन यालिंग को बाहर फेंक दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये एक्शन हमारे या फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है मिस्टर या ये सब कुछ काफी हुआ वो पास्टर ली जिनमें मुझे हिमुलेट करने के लिए आपके सॉन्ग को यूज किया है और मैं आपके सोन के ऊपर बहुत ज्यादा इजी था उसके बाद अचानक से हम चेनवॉन को देखते हैं वो यान जी के कान के में आपके धीरे कह रहा होता है और सबसे बड़ी बात मेरे लोगों ने ली जिम को हेट किया है ना कि आपके सोन को मैंने आपको बहुत ही ज्यादा फेस दिया है तभी चेनवॉन की बातों को सुनने के बाद यान जी कुछ समझता है फिर वो मनी वन में कह रहा होता है ओ हाँ मिस्टर युवन ने जो कहा उसके बाद में पॉइंट है वो मेरे सोन को लाइट पानी देख के हमारे फेस को बचाया है पर वो दूसरी तरफ ली जिनमू को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है तो जितने सारे लोगों ने यह शो को देखा है उस सभी को लगने लगेगा कि मिस्टर युवान या फैमिली को रिस्पेक्ट करता है सच में मानना पड़ेगा मिस्टर युवान बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है वैसे मेरा सोन और मिस्टर युवान, दोनों ही एक ही उम्र के हैं पर उन दोनों का सोचने का तरीका जमीन और आसमान का फर्क है तभी सीन है जहाज के बाहर का सीन दिखाता है भाई बाप गार्ड को देखते हैं जो ली जिनमू के गढ़ पे की मार के उसे बाहर निकल दिया होता है चिल्लाते हुए कह रहा होता है दबा हो जाए यहाँ से पर तभी सामने के नजारे को देखने के बाद ली जिनमू की सेटरी को देखते हैं वो सौ कोई कह रही होती यंग मास्टर क्या हुआ है क्या सही है क्या आपने या फैमिली को ऑपरेट कर दिया है पर तभी अचानक से हम ली जिनमु को देखते हैं वो अपने गुस्से को अपने सेडरी के ऊपर उतारते हुए कह रहा होता है दबा हो जाए यहाँ से मुझे परेशान करना बंद करो फिर उसके बाद वो दांत पिस्ते चिल्लाते खुद खुद से कह रहा होता है चेनोन तू तु बास्टर तू सिर्फ इंतजार कर मैं तेरी जिंदगी को हेल बनाने वाला हूँ तभी सीन शिफ्ट होता है जहाज के अंदर सभी लोगों को दिखाता है जो अपना अपना बातें कर रहा होता है तभी एक बंदा कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बुट्रावल में कहा ली जिनमु को मिस्टर इवान ने इतना ज्यादा हिमुलेट किया है तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मिस्टर इवान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और वो लड़की मिस्टर इवान को जो बदनाम कर रही थी क्या नाम थे उसकी हाँ हाँ जाओ वो क्लियरली एक एक्ट्रेस है जो लीज जिनमू ने उसे यहाँ पे लाया है अगर मैं सही से याद करूँ तो ली जिम्मू फिल्म इंडस्ट्री पे मिस्टर युवन के साथ उसका कुछ लपड़ा हुआ था और वो मिस्टर युवा के खिलाफ इस तरह के टैक्टिक को यूज करके अपने रिवेंज को पूरा करना चाहता था तभी शिफ्ट होता में एक रूम के अंदर एक अनजान लड़की को देखते हैं जो सामने देखते हो अपने पीछे किसी को कैरी होती है सिस्टर बुसिया तुम ली जिनमू के बारे में क्या सोचती हो ये बातों को सुनने के बाद में उस लड़की के पीछे यून बुसिया को दिखाती है वो उस लड़की को कैरी होती है तो बहुत वो बहुत ज्यादा कार्निंग स्किल और कैपेबल वो उन्नीस साल की उम्र में बेस पे ज्वाइन किया था और सिर्फ दस सालों के अंदर ही वो ली फैमिली का हेड बन गया था तो उसे का ना, गलत नहीं ने पूरी से मुझे ना कर दिया था तो इसलिए मैं उसे लेकर थोड़ा क्यूरियस हूँ ये बातों को सुनने के बाद सामने वो अनजान लड़की कैरी होती है क्या सच में शायद हो सकता है की वो हार्ट बनने का पेटेंट कर रहा है या फिर वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है ये बातों को सुनने के बाद क्यों बुसिया कैरी होती है हाँ ये शायद हो सकती है और में अचानक से वो अनजान लड़की फिर से कह रही होती है तुम्हें तो कभी कभी किसी भी इंसान के अपीरेंस को लेकर जांच नहीं करना चाहिए ली फैमिली बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है अगर कोई अपने ट्रू सेल को ज्यादा छुपाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो और भी ज्यादा डार्ट है उस अनजान लड़की की ये बातों को सुनने के बाद क्यों बुसियांग कह रही होती है हाँ तुम्हारी बातों पे पॉइंट है पर आज लीजिन में बहुत ज्यादा अनलकी था क्योंकि उसका मुलाकात चेनवान से हुआ था और वो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर सफर किया है वैसे वो ब्लास्टर चेनवान मेरी ब्रदर को पीटा था और उसके साथ ही साथ ली फैमिली को भी ह्यूमिलेट किया मेरी उसको यहाँ पे आए हुए दो दिन भी नहीं हुआ है पर उसने ऑलरेडी बहुत सारे सिटी के पावरफुल फैमिली को ऑफेंड कर दिया है फिर उसके बाद ही अचानक से किन बुसैंग ब्लास्टिंग करती हुई मनी मन मैं कैरी होती है यहाँ तक उसने मुझे उस जगह पे पीटा था यानी मेरी बूटी पे हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी पर मैं कोई भी मैस्कोचिस्ट नहीं हूँ पर तभी क्यून बुसेंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद उसके सामने वो आनो लड़की कैरी होती है मिस्टर यौन एक अजीब सा पर्सन है मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाई हूँ की कि वो किस तरह के इंसान है तभी क्यून भूसिया कैरी होती है वो और क्या हो सकता है जरूर कम भाग देखो वो उस लड़की का हालात उसने क्या किया है ये बातों को सुनने के बाद वो अनोन लड़की कैरी होती है नहीं ये नहीं हो सकती है सिस्टर बूसियां क्यों ना तुम एक बार वो उस लड़की जाओ जाऊ की बैकग्राउंड को चेक करो शायद ये भी हो सकती है कि कोई को बदनाम करने के लिए उस लड़की को यूज किया है तभी ये बातों को सुनने के बाद हम क्यों देखते वो चेक करने के लिए अपने फोन को निकाल लिया होता है फिर वो उस अनोन लड़की को कैरी होती तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो चलो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को कॉल कर रही हूँ फिर मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी की तुम पूरी तरीके से गलत हो सीन शिफ्ट होता है दस मिनट के बाद कसे निकाता है भाई हम क्यों भूसी को देखते उसने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट किया था वो सब कुछ रिजल्ट को जानने के बाद

तो मैं इतने लंबे समय से चेन को गलत समझ रही थी फिर तभी अचानक दिखा आता है कि चेन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है वो कि उन बुसियांग के सामने आते होती है और मिस्टर युवान के बीच में जो झगड़ा था वो बहुत पहले सभी के सामने एक्सपोज हो गया था और लीजेंड में सबक सिखाने के लिए बहुत सारा टैक्टिक यूज किया है पर इस समय मिस्टर युवान ने बहुत ही चालाकी के साथ सब कुछ एक ही बार में सॉल्व कर दिया और सिर्फ यही कारण है जो मैं मिस्टर युवान के

और वही पे हम चुली को देखते हैं वो चेरन को कुछ खिला रही होती है तभी चेरन कह रहा होता है ओह तो फाइनली बर्थडे शुरू हो रहा है और तभी अचानक से है कि स्टेज अंधेरा हो जाता है और वही अंधेरे में एक लड़की वायलिन लेके अपेयर होती है और सामने के नजारा को देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है अरे देखो देखो सभी स्टेज की तरफ देखो तभी हमें ऑडियंस पे रहे सभी बंद को दिखा आता है स्टेज पे उस लड़की के फेस कभी तक नहीं देखा होता है सिर्फ उसके बॉडी को देखने के बाद उस लड़की के दीवाना हो जाता है एक बंदा ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है क्या स्टार्डिंग ओमेन है वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है उसे देख के बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है मैं अभी

फैमिली एडस को छुपा के क्यों रखना चाहता था और वही पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है वो इतना ज्यादा अगली है कि उसकी एक ही फेस पे ब्यूटी और बीस्ट दोनों ही है और वही उस सभी के सामने स्टेज के ऊपर रहे मैं यहां को दिखाती है उस सभी की यह सब कुछ बातों को सुन रही होती है पर अचानक से उसके साइड पे आ जाती है और वो यहाँ के हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है ये सब कुछ सही है तुम स्ट्रॉन्ग रहना ये बातों को सुनने के बाद यहाँ हाँ कह रही होती है सिस्टर तुम्हारी बहुत बहुत सकती है पर मैं एकदम सही हूँ मैं जैसी हूँ मैं खुद को वैसे ही पसंद करती हूँ मैं ब्यूटीफुल या फिर अगली हूँ उस सभी को क्या मैटर करता है मुझे जाँच करने के लिए उस सभी के पास क्या क्वालिफिकेशन है फिर उसके बाद हम यहाँ को देखते हैं बर्थडे केक को काटना शुरू कर दिया होता है तभी हम साइड पे एक मिडिल एज बुढ़े को देखते हैं जो लौंगा ग्रुप का चेयरमैन होता है उसके साथ ही साथ वो याहान की फादर है जिसका नाम है या जून वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है अब सभी बिजी रहने के बाद भी टाइम निकल के मेरे डोटर याहन की बर्थडे बैंकुट पे पार्टिसिपेट किया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आज इस बर्थडे बैनकुट पे मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ मैं लौगा ग्रुप के चेयरमैन होने के नाते मैं अनाउंस कर रहा हूँ लौगा ग्रुप के ट्वेंटी शेयर मैं मेरे डोटर को ट्रांसफर कर रहा हूँ और आज से मेरे डोटर याहन या फैमिली के लौंगा ग्रुप के लार्जेस्ट सेकंड शेयर होल्डर है तो अभी अपनी फादर की बातें को सुनने के बाद हम यहां को देखते हैं और कॉन्ट्रेक्ट पर साइन करने लगती है और वही सामने में ऑडियंस पे सभी लोगों को दिखाता है वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है शौक होते आप लोगों ने बातें कर रहा होता है

तभी चेनोन की बातों को सुनने के बाद मिंग मिंग कन्फ्यूज होते कह रही होती है क्या वो कौन सी लड़की है जो खुद को दूसरों के सामने अगले दिखाना चाहती है चेनोन कह रहा होता है मुझे संदेह है पर ये कंफर्म करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत है तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सभी लोग यहाँ को बर्थडे दे गिफ्ट देना शुरू कर दिया होता है पर अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं वो यहाँ के सामने आके कह रहा होता है मिस या मुझे माफ करना मैंने आपके लिए कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है पर मैं आपके लिए पियानो प्ले करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये म्यूजिक सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है क्या पियानो प्ले करना चाहता है क्या सो

मैं एक बार देख के कह सकता हूं ये सभी बंदों के पास कोई भी अच्छा इंटेंशन नहीं है मैंने एक बार होते हैं से सुना था कि ये बंदा लीजिए के साथ अच्छा दोस्ती है तो शायद हो सकता है कि वो जरूर मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है पर तभी अचानक दिखा दिखाता कि चेनोन के सामने आ होती है फिर वो चेनोन को कह रही होती है मिस्टर युवान सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो आप एक म्यूजिक प्ले क्यों नहीं करते है? ये बातों को सुनने के बाद चेनोन कह रहा होता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ तभी चेनौन ये बात को सुनने के बाद हम दूसरी तरफ वही बंदे को देखते हैं जो यान के लिए म्यूजिक प्ले करना चाहता था वो किसी को कह रहा होता है कम मोहन जल्द से पियानो लेके आओ यहाँ पे फिर उसके बाद वो बंदा पियानो की तरफ देखते हुए एक एवी स्माइल

कह रहा था कि क्या डैमड क्या वो वायलिन भी प्ले कर सकता है तभी हम याहान को देखते हैं वो चेनोन के सामने आते हुए कैडी होती है मिस्टर याहान क्या वायलिन भी प्ले कर सकते हैं ये बातों को सुनने के बाद चेनोन कह रहा होता है हाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि चेनोन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है न्यू गुड लुकिंग ओमे एडिटेड किया गया है नाम है याहान वेट 50 केजी अपीयरेंस कोड 9.7 तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद चेनोन शॉक होते हुए मन में कह रहा था कि क्या यान की फेस पे बात मग रहने के बाद भी सिस्टम ने उसकी बीटी को 9.7 स्कोर दिया है मेरे आसपास पास जितने सारी लड़िया बॉन्ड है उस सभी की ब्यूटी किसी का भी इतना हाई नहीं है असल में यहां कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है तभी हम चेरन के सामने यहां को देखते हैं वो चेरन को कैरी होती है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मिस्टर युवान वायलिन भी प्ले कर सकता है मैं आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ तभी हम चेन को देखते वो वायलिन प्ले करने के लिए तैयार हो जाता है फिर वो मनी मन में अपने सिस्टम को कमर देते हुए कह रहा होता है सिस्टम मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट को यूज करके वायलिन स्किल को इम्प्रूव करो तभी चेन की कमर रिसीव होती है हमें दिखाता है कि चेरन सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है होस्ट आप कितने सालों के वायलेंस स्किल को लर्न करना चाहते हैं

एंसियन ट्यून ओवरलोड बैटल म्यूजिक है वो असल में एक एंसियन चाइनीज ट्यून को प्ले कर रहे है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो ऑलरेडी अपने परफॉर्मेंस के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है वो इमोशन को म्यूजिक के साथ मार्च कर दिया है और वो इमोशन एक इमेज पे ट्रांसफर हो गया है मैं अगर सही से गेस करूं तो मेरी मास्टर भी इस लेवल के नहीं है पर तभी अचानक से सभी चेन को दिखाता है वो परफॉर्मेंस को खत्म करता है पर उसका परफॉर्मेंस खत्म होने जाने के बाद भी ऑडियंस में इतने सारे लोग रहता है वो सभी चुपचाप रहता है वो में कोई शब्द नहीं है फिर उसके बाद ही वो सभी ऑडियंस अपने होस्ट पे आता है और ताली बजाने लगता है तभी वही ऑडियंस पर हमें बहुत सारे लड़कियों को दिखाती है जो चेरन के बाद दीवानी हो जाती है वो सभी एक साथ गहरी होती है वाह क्या

वो यहाँ की वायलिन को यहाँ को देते हुए कह रहा होता है नहीं ये ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है सिंपल सा स्किल तो और ज्यादा कुछ भी नहीं उसके बाद वो उस जगह से जाने लगता है, और वही चेनोन के पीछे में यहां को दिखाती है वो चेनोन की तरफ देख के तरह एक छोटी सी स्माइल करती है फिर वो मनी मन में कैरी होती है उसे देख के लगता है कि वो बहुत ज्यादा अजीब है पर वो पूरी तरीके से टैलेंट से भरा हुआ है फिर उसके बाद में दिखा आता है कि के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है यहां की होस्ट के ऊपर है यहाँ की होस्ट के ऊपर करंट है 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 तभी से शिफ्ट होता दिखा आता कि वही बाटी बाटी पे एक्ट्रेस जिंग मेयंग भी आई होती है वो चेरन के परफॉर्मेंस को देखने के बाद मनी मन में कै होती है ये आदमी सिर्फ रिच बॉस ही नहीं है वो बोल बनने के लिए उसके पास क्वालिटी है फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि दिखाता के सिस्टम पे डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिंग मे यंग की

वैसे क्या आप कोई न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ये बातों को सुनने के बाद झिंग में कह रही होती है वेल मैं अभी के लिए घर पे ही हूँ मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि आपके प्रोजेक्ट पे कोई सुटेबल रोल है ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर काम कह रहा होता है

बॉयफ्रेंड चिल्लाते होता है, गाओ, क्या मजाक कर रहे हैं? मे ऑलरेडी बहुत सारे बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड जीत चुकी है पर आप कह रहे कि उसे मेड कैरेक्टर की रोल प्ले करने के लिए अचानक मेयांग को देखते है। पर को हैं अपनी होती है तुम हो जाओ। इस तरह से बात मत करो, सही नहीं है फिर उसके बाद वो डायरेक्टर गाव के सामने माफी मांगते हुए कह रही होती है डायरेक्टर गांव मुझे माफ कर देना मेरी ये मतलब नहीं थी ये बात को सुनने के बाद का कह रहा होता है हाँ मैं समझ सकता हूँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको ऑफर करने के लिए कोई भी सुटेबल रोल अवेलेबल नहीं है तो मुझे माफ कर देना मे यंग वैसे मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हें तो समझने की जरूरत है कि तुम्हारे आसपास किस तरह के लोग घूम रहा है फिर उसके बाद डरेक्टर उस जगह से जाते हुए में कह रहा होता है जिंग मे यंग ऑलरेडी ग्रेट सक्सेस अचीव कर लिया है पर उसके पार्टनर इतना कचरा कैसे हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने करियर को सक्रीफाइस कर दिया वो अपने इस तरह के अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रही है तभी हम दूसरी तरफ मेयंग को देखते हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को कह रही होती है बोध तुम उसके साथ इस तरह से बात क्यों किया अगर तुम इस तरह से

प्लीज कुछ दिन और इंतजार कर लो ये बात को सुनने के बाद बुधाऊ कह रहा होता है अच्छा ठीक है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार जो करता हूँ पर तभी अचानक से बुद्धा दाँपीसते मनी मन में कह रहा होता हूँ मुझे फिर से एक महीना इंतजार करना पड़ेगा बहुत अच्छी बात है मैं इंतजार करूंगा पर जब एक बार मैं तेरे साथ खेल के पूरी तरीके से थक जाऊंगा तब मैं तुझे दूर फेंक दूंगा और वैसे भी मेरी फैमिली के मिस मई से मेरा ऑलरेडी एक सीरेट रिलेशनशिप है और बात रही मे यंग की वो एक ऐसी फोनिक्स है जो जैन पे गिर चुकी है जो मेरे लिए और कोई भी यूजफुल नहीं है तभी तो सीन शिफ्ट होता है उन दोनों के साइड पे कहीं दूरी पर हम चेरम को देखते हैं उसके नजर जिंग मे यंग और बुदोंग की तरफ जाता है मनी मई मैं कह रहा था कि ओ ये तो मेरा नेब और एक्ट्रेस जिंग मेयंग है ना वैसे उसकी हालत इतना नीचे गिर गई है कि उसे मेड की रोल करनी पड़ रही है फिर उसके बाद ही अचानक से चेनवन अपने साइड पे मिंगमिंग मिं को कह रहा होता है इंटरेस्टेड है तो वो फिल्म एंड टेलीविजन है इन्वेस्ट कर सकता हूँ उस जगह से अच्छा ठीक है ब्रो फिर उसके बाद ही चेनवन मनी मन में कह रहा होता है शायद हो सकता है कि जिंग मेय की उम्र थोड़ी बढ़ गई है और उसकी रेपुटेशन गाँव जुआनिया से भी हाई है तो अगर हम एक साथ मिलकर काम करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते तो हम फिल्म एंड टेलीविजन बेस पे, पे बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं

और गाइस इस यही पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर है एपिसोड पाने के लिए और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो कि ये सीरीज का एपिसोड आने में इतना लेट कैसे हो गया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़े दिन के लिए मतलब रेस्ट लिया था एक दो महीने के लिए और जब मैं वापस आया तो बाकी का जो सीरीज़ का चैप्टर है वो एक्सप्लेन करने में लग गया तो इस ये बाकी रह गया था तो ये भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लूँगा तो चिंता मत करो बहुत छोटा छोटा चैप्टर है तो बहुत जल्दी से एक्सप्लेन हो जाएगा तो चलो मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड और सीरीज के साथ तब तक के लिए साइन होना बाय बाय टाटा